यही कहा गया कैपिटल एक्स इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल एक्स मतलब क्या, न्यू कोऑर्डिनेट। तुम भी पहली बार आया है क्या? ओह माय गॉड, देख ले भाई कुछ पल्ले पड़ गया तो ठीक ठीक है बैठे रहना। हाँ कैपिटल एक्स इक्वल टू व्हाट, न्यू कोऑर्डिनेट। हाँ न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सब सबको पता है ना क्या होता है, ये स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई ये घूम के ऐसा बन जाएगा ना, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, जो भी पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट्स विल चेंज लाइक दिस। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, सही है। अब देखो लाइन का इंटरसेप्ट क्या दिया है, ए है ये, ई एन नहीं है। लाइन का इंटरसेप्ट क्या दिया है, स्मॉल ए स्मॉल बी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कम ऑन पीपल यू कैन नाउ टेल इक्वेशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या लिख रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब है, ओल्ड एक्स एंड वाई। हां वेरी गुड, ओल्ड एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ओल्ड एक्स एक्सिस एंड ओल्ड वाई एक्सिस। तो अगर मैंने रोटेशन नहीं किया है पहले, आई एम नॉट रोटेटिंग, तो लाइन का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो ये लाइन बना दिया मैंने, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया है और वाई इंटरसेप्ट कितना दिया है, इसका इक्वेशन बताओ ना। हाँ वेरी गुड, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, समझा क्या। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक्सिस को घुमा दूंगा, ठीक है, एक्सिस को रोटेट करेंगे, इतना एंगल से रोटेट करना है। व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू अ गिवन एंगल ऑफ हाउ मच, सो आई विल हैव दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल वाई, सबको समझा क्या, कितने एंगल से घूम गया थीटा, तो लाइन का इक्वेशन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा ना, समझा ना। अभी सपोज मैंने लाइन को और आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, ये देखो समझा क्या, शुड आई मेक अ बेटर डायग्राम, ओके। सो ये एक्स और वाई एक्सिस है पुराना वाला, ये तुम्हारा लाइन है, ठीक है, दिस इज ओ, दिस पॉइंट यू कैन कॉल इट एज ए, दिस पॉइंट इज बी, सो व्हाट इज ओ ए गिवन टू अस, एंड ओ बी इज स्मॉल बी, समझा क्या। ये लाइन का इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज व्हाट, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू, और मैंने एक्सिस को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है। अभी नया एक्स एक्सिस आया, ये तुम्हारा नया एक्स एक्सिस है और यहाँ पे तुम्हारा नया y axis, ठीक है, this is your new y axis, are you getting this? तो तुमने देखा क्या, लाइन लाइन वापस दिख रहा है तुमको, नए वाले x और y को कट कर रहा है, are these the points? Then what is OP called as? Very good, with respect to what? New x axis. What will be OQ called as? Y. सबको समझ में आया? अब ये नया वाला intercept कितना दिया उसने? देखो क्वेश्चन में पढ़ के लिखो, दिया है ना, ठीक है। तो इसी लाइन का इक्वेशन वापस लिखूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या लिखूंगा, कौन सा वाला है, एक्स कैपिटल वाला एक्स, समझा क्या, ये फर्क समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, पी प्लस वाई अपॉन क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू व्हाट, सभी लोगों को समझ में आया, लेकिन लाइन तो वही है, लाइन तो लाइन चेंज नहीं हुआ ना, इंटरसेप्ट चेंज हो गया, ठीक है, लाइन पूरा का पूरा सेम ही है, ये दोनों एक ही लाइन के इक्वेशन है, आर यू गेटिंग दिस, ये दोनों एक ही लाइन के इक्वेशन है। तो एक्स का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, वाई का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, ऑफ कोर्स यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स दोनों सेम नहीं है, तो पहले तुमको वो एक्स सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट कैन यू राइट कैपिटल एक्स एज, वेरी गुड, सो आई कैन राइट एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा होल डिवाइड बाय व्हाट, स्मॉल पी, प्लस कैपिटल वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स साइन थीटा माइनस y cos थीटा होल अपॉन व्हाट, q बिकम्स इक्वल टू 1। थोड़ा और सिंपलीफाई कर रहा हूं मैं, x के कितने टर्म्स तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक इधर और एक इधर दिखा क्या, साथ में लेके आओ, ठीक है। ऑफ कोर्स उसके लिए p को तोड़ना पड़ेगा, कॉमन डिनोमिनेटर विल गेट सेपरेटेड विद द टर्म्स प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, सो मुझे ऐसा मिलेगा क्या, x मल्टीप्लाइड विद, डू आई गेट, वेरी गुड, cos थीटा अपॉन p पहला टर्म प्लस sin थीटा अपॉन, सभी लोगों को समझ में आ गया ये,
ठीक है, प्लस y मल्टीप्लाइज विद व्हाट, साइन थीटा अपॉन p, समझाना। दूसरा नाम बताओ, माइनस cos थीटा अपॉन q बिकम्स इक्वल टू व्हाट। अब ये और ये एक ही इक्वेशन है, समझ में आ रहा है, ये दोनों एक ही इक्वेशन, देखो दोनों में भी x ही आ गया है, दोनों में y ही लिखा है मैंने स्मॉल वाला, ठीक है, और ये एक ही लाइन का दो अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है, तो ये याद रखना तुम, अगर मैंने एक ही लाइन का दो अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन लिख के दे दिया, सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू जीरो, अगर मैंने ऐसे लिख के दे दिया तुमको, ठीक है, एक ही लाइन के दो अलग अलग इक्वेशन अगर लिख के दिए मैंने, ठीक है, तो एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और कॉन्स्टेंट सब प्रोपोर्शन में रहता है। That means I can write A upon P is equal to B upon Q is equal to C upon R. सबको समझा? इधर तुम्हारा कांस्टेंट दोनों का क्या है? वन ही है, तो उसको कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं है। आर क्या है मतलब? क्या पूछ रहे हो? आर क्या है? इधर? ये वाला आर? अरे कांस्टेंट है रे। अरे इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? जनरल इक्वेशन कैसे लिखूंगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? हाँ, अब दूसरा वापस इक्वेशन उसी फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वापस एबीसी यूज नहीं कर सकता है ना मैं, तो मैंने पी क्यू आर यूज कर लिया, तेरे को चाहिए एलेवन यूज कर ले, समझा, कोई और लेटर तेरे को पसंद है वो यूज कर ले, मैंने पी क्यू आर यूज कर लिया, समझ में आया क्या? तो पी क्यू आर पी कौन है? एक्स का कोएफिशिएंट, जैसे ए कौन है? एक्स का कोएफिशिएंट, तुम इधर जाके नहीं बोलते ना ये एक्स इंटरसेप्ट है ये वाई इंटरसेप्ट है, ऐसा नहीं है, पता है ना ये ए और बी, जब तुम एक्स अपॉन लिखेगा वाई अपॉन लिखेगा तब वो एक्स और वाई इंटरसेप्ट होता है। अभी कौन है? कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड सी इज जस्ट सम रैंडम कांस्टेंट, तो वैसे पी क्यू आर है, समझ में आया क्या? ठीक है, सो अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? वन अपॉन ए, सो वी कैन राइट लाइक दिस, वन अपॉन ए होल डिवाइडेड बाय, इधर क्या एक्स का कोएफिशिएंट? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन पी अपॉन क्यू, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? इनफैक्ट ये दोनों इक्वली होना चाहिए, बराबर ना? इसका इसका जो कोएफिशिएंट है एक्स का जो, अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका जो भी कोएफिशिएंट है और ये इक्वल टू वन अपॉन वन है, मालूम है ना? तो जब तुम एक रेशियो लोगे तो विल यू गेट समथिंग लाइक दिस, सो आई विल राइट वन अपॉन ए, कैन आई राइट लाइक दिस, वन अपॉन ए इज इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा अपॉन पी प्लस, ये समझा क्या सबको? इक्वल कैसे हो गया? तीसरा रेशियो क्या है इधर? तीसरा रेशियो अगर लिखू मैं तो वन अपॉन वन ना, तो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा ना, समझा? ठीक है, और वन अपॉन बी क्या आएगा? वन अपॉन बी क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन अपॉन पी माइनस, अरे बहुत ज्यादा हैवी हो गया क्या क्वेश्चन? अब हो गया, देखो ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म, तुम सारे ऑप्शंस को चेक करके देखो, कैन यू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप? वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सारे में स्क्वायर दिख रहे, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग करके ऐड भी कर दूंगा मैं, देखो ऐड भी क्या है उसने, प्लस 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 प्लस, समझ में आया क्या? ऑप्शन देख के भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं आगे क्या, आगे कैसे बढ़ना है, ऑफ कोर्स यहां पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है, सो इफ आई डू स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, व्हाट डू आई गेट माय आंसर एज? कम ऑन, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b, आराम से स्क्वायर कर रहा है इसको, इज इट a प्लस b द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा क्या? सो आई गेट cos स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन पी क्यू प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्यू स्क्वायर, समझा सबको? प्लस ये ए माइनस भी तो होल स्क्वायर हो रहा है, बराबर ना? ए माइनस भी तो होल स्क्वायर क्या आएगा? वेरी गुड, पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन पी क्यू एंड देन प्लस अपॉन क्यू स्क्वायर, सबको समझा ये? What happens to this term and this term? ये पूरा cancel, ठीक है? ये दोनों add हो जाएगा क्या? One upon p square common निकलेगा ना? Add मतलब समझा ना? One upon p square common है दोनों में. What is left?
वेरी गुड cos square plus sin square which is going to be 1 इधर से भी 1 upon q square कॉमन है क्या क्या बच गया समझा सबको सो व्हाट्स द फाइनल आंसर हैव यू ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चन कॉपी करना है क्या फटाफट लेके आई गिव यू 2 मिनट्स जल्दी जल्दी ठीक है व्हाट क्वेश्चन नंबर इट वाज 80 क्वेश्चन नंबर 80 दिस रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन rotational transformation so you should know your concept well first of all theek hai nahi to fir question nahi aayega diagram banao acha सबको समझा गया लेकिन सोचो अगर मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया एट द एंड ऑफ द डे एबी इज अ लाइन ना आगे खींच सकता हूं मैं उसको बीसी भी लाइन है उसको आगे खींच लिया मैंने समझा तो एक एंगल में सर दिख रहा है कि ये वाला दूसरा किधर है इधर अपोजिट तो ये कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है अरे इसको क्या कौन सा एंगल बोलते हैं एक्यूट एक्यूट ये एक्यूट है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है लेकिन जब पैर के बारे में बात करते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वन पैर इज एक्यूट एंड वन पैर इज व्हाट ये सब इतना कांसेप्ट सीखा था ना हमने एक पैर ऑपोजिट रहता है एक पैर एक्यूट रहता है एक पैर ऑब्ट्यूज रहता है फिर A1 पूरे इक्वेशन को प्लस C1 प्लस C2 के फॉर्म में लिखने का है याद है क्या इक्वेशन कैसे लिखेगा कल सिखाया था क्वेश्चन मैंने प्लस C1 प्लस C2 में लिखा था याद है ना फिर तुम A1 A2 प्लस B1 B2 निकालोगे लेस देन 0 आया तो एक्यूट ग्रेटर देन 0 आया तो ऑब्ट्यूज जब तुम इक्वेशन प्लस के साथ लिखने वाले हो तब मालूम है ना और जब माइनस के साथ लिखोगे तो यही उल्टा हो जाता है A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 बनता है एक्यूट के लिए अरे ये सब याद आ रहा है क्या ठीक है हाँ मैं तो पता नहीं लोगों को क्या चल रहा है इतना तो मुझे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्यूट वाला ही एंगल चाहिए एंगल एबीसी जो बनाया उसने एक्यूट वाला ही चाहिए ठीक है अभी क्वेश्चन देखो कितना आसान था थोड़ा लॉजिक लगाएगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इज दिस एंगल बाइसेक्टर यू आर गोइंग टू फाइंड इट्स इक्वेशन इक्वेशंस आर ऑलरेडी गिवन टू यू एबीसीडी यही है ना इक्वेशंस तुमको थोड़ी निकालना है वो दिया हुआ है उसने समझा Can you see angle bisector is passing through what point? Origin. Hey, origin है क्या ये? इधर से आया तू लोग आए थे। आते थे रास्ते में कुछ है क्या मतलब? कोई शॉप वॉप है क्या? कौन सा GM का? Point भी origin है क्या? अरे भाई कोई भी random point. In fact ये point भी था point क्या दिया उसने? Origin कैसे हो गया? ये लो लिख देता हूँ मैं. 5.1 So point B is a point lying on what? Are it is lying on what? अरे ये क्या है? ये angle bisector है ना? B से जाना चाहिए उसको क्योंकि B को काट है तो B से जाएगा ना? If it is bisecting the angle B, it should definitely pass through B. If it is passing through B, what will B do to the equation of the line? हो गया. Check करो कि उसको satisfy कर रहा है. Option A में डाल के देखो. X की जगह पे क्या डालेंगे? 5 और y की जगह पे नहीं तो ये गया इसमें डाल के देखो x की जगह क्या डाल दो नहीं क्या x की जगह 5 डालो y की जगह 1 इधर 5 और इधर 1 नहीं डालना है समझा x की जगह 5 डालना है आर यू गेटिंग इट व्हाट द आंसर कमिंग हो गया ना सबको समझा ऑप्शन बी सो देखा ना हाउ सिंपल दिस क्वेश्चन वाज लेकिन सपोज दो को सेटिस्फाई कर दिया अब क्या करोगे दो को कर दिया तीन को कर दिया हो सकता है ना ऐसा मैं तो कोई भी इक्वेशन ऐसा लाइन बना के दे दिया ऐसा लाइन बना के दे दिया ये सारे बी में से पास हो रहे हैं ना इन सबका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा फिर 5.1 तब क्या करोगे दूसरा पॉइंट है नहीं मेरे पास दूसरा पॉइंट किधर है ए और सी नेक्स्ट क्या कर सकते हो क्या
स्लोप कैसे निकालोगे? अरे स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट लगेगा, तो मैं तुमको बता रहा हूँ क्या कर सकते हो। अगला चीज, देयर आर मल्टीपल वेज इन व्हिच यू कैन प्रोसीड फर्दर। अब मुझे बताओ अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, सो क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व हुआ ये वाला? सीधा तुमको पॉइंट का कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करना था, लेकिन सपोज अगर दो या तीन या चारों ऑप्शन ने सैटिस्फाई कर दिया तब क्या करोगे? तो बहुत आसान है, ए बी का स्लोप निकाल सकते हो क्या? क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का भी दिया हुआ है। कैन यू गेट द स्लोप ऑफ ए बी? कैन यू गेट स्लोप ऑफ बी सी? कैन यू गेट एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी? 90। अरे 90 नहीं, tan θ = 2। अच्छा आता है यहाँ पे, हाँ निकाला, वेरी गुड, सी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो एंगल निकाल सकते हो तुम, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? एंगल निकल के आ गया ए बी और बी सी के बीच में, तो बताओ लाइन एल जो उसका एंगल बाइसेक्टर है और बी सी, इसके बीच में एंगल कितना रहेगा? उसका आधा जितना भी रहेगा। समझ में आया? अब मुझे बताओ ये दो लाइन के बीच में का एंगल पता चल गया क्या? इसका स्लोप मालूम है क्या? कह रहा है से इसका स्लोप एम ले लो, इसका स्लोप एम ले लिया, कह रहा है यूज टैन ऑफ थीटा, जहां पे थीटा इसका आधा है ना। अब जो भी एंगल आएगा वो ऐसा वाला एंगल रहेगा जिसका तुम वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 35 डिग्री नहीं आएगा, टैन ऑफ 35 को आता नहीं मेरे को, दिया जाएगा तो लिख सकता है, नहीं तो टैन 35 निकालना बहुत मुश्किल है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सो टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू, इसका स्लोप मालूम है ना बीसी का, समझा ना रे, स्लोप ऑफ बीसी पता है मुझे, अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। आर यू गेटिंग दिस? कैन यू सॉल्व? अब इसमें बताओ अननोन कौन है? M unknown है ना, कितने वैल्यूज आएंगे M के? दो क्यों आएंगे? अरे दो ही आएंगे, मॉडुलस साइन है ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो दो आएंगे वैल्यूज करके, क्योंकि मॉडुलस का साइन है, तो M के दो आंसर आएंगे। क्यों आएंगे दो पता चल रहा है क्या? एक एक्यूट वाले का और दूसरा ऑब्ट्यूस वाले का। समझ में आया? M मिल गया, अब तुमको लाइन का स्लोप पता चल गया, लाइन कहां से पास हो रहा है मालूम था क्या? कौन से पॉइंट से जा रहे हैं? 5.1। What can you use to get the equation of the line? Process लंबा है लेकिन हो सकता है। समझ में आया? वापस बताओगे एक बार? समझ में आ गया सबको? एंगल ढूंढो, उसका आधा करो, अब जैसे इसने एंगल ढूंढ लिया और 90 डिग्री आ गया बराबर, तो उसका आधा कितना होगा? tan 45 हम सबको पता है ना कितना होता है, 1 यहाँ पे 1, ये m पता नहीं है, m bc निकाला हुआ है ना, c का कोऑर्डिनेट कितना है? 1.4। देखो कितना झट से स्लोप आ जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, आएगा स्लोप यहाँ पे डलेगा ना, m अननोन यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू डाल दिया जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करना है m के लिए, कर पाओगे? लीनियर इक्वेशन बनेगा, लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन, तो m के दो आंसर आएंगे क्योंकि एक बार प्लस के साथ इक्वेट होगा और एक बार माइनस के साथ, समझा ना? एंड देन यू कैन गेट योर इक्वेशन ऑफ लाइन इफ मल्टीपल ऑप्शंस आर सैटिस्फाइंग 0.5.1। सभी लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? इधर अप्रोच मेरा अलग था क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल अप्रोच है, ठीक है, लेकिन अगर सपोज ऐसे हो गया कि तीनों चारों इक्वेशन सेटिस्फाई करना है तो ये अप्रोच लगा देना, याद रहेगा क्या? लेकिन घर जाके तुम यही वाला अप्रोच से करना जो मैंने सिखाया, अभी मत करना, घर जाके करना, लेकिन ठीक है ना, शॉर्टकट टेक्निक तो है लेकिन घर जाके तुम, अब देखना ये शॉर्टकट टेक्निक कोई सिखा नहीं सकता है, ऐसा इक्वेशन आया तो ऐसे करना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। चलो 19 हो गया, 20 ऑलरेडी हो चुका है, शुड वी स्टार्ट 21? शुड वी स्टार्ट 21? वो लिखना है क्या तुमको? लिख दिया, वेरी गुड, सो लेट्स बिगिन विद 21, पढ़ लो क्वेश्चन जल्दी से, 21, बी क्विक प्लीज, शुड आई रेस? क्वेश्चन 21 पे आ जाओ जल्दी से, पढ़ लिया क्या? लाइन एल का क्या इक्वेशन दिया है? एक्स अपॉन 5 प्लस इज इक्वल टू 1, कहां से पास हो रहा है? 13.32। सो अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? डाल दो और बी का आंसर मिल जाएगा, बी अननोन है ना, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट, तो एक्स की जगह पे क्या डलेगा? 21, एक्स की जगह पे 13 अपॉन प्लस वाई की जगह पे 32 अपॉन इज इक्वल टू, कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई, आई गेट 13b प्लस कितना 160, आर गेटिंग इज इक्वल टू अपॉन 5b ना, बाजू में चला गया 5b, हैव यू अंडरस्टूड? 13b उधर चला गया, माइनस 13b हो गया, 5b माइनस 13b माइनस 8b
is equal to 160. तो b का वैल्यू कितना आया? माइनस 20. हैव यू अंडरस्टूड? तो इक्वेशन क्या बनेगा मेरा? x अपॉन 5 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि b का वैल्यू माइनस 20 आया. समझा सबको? y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1. डिड यू ऑल गेट दिस? हो गया पहला इक्वेशन. 9l का इक्वेशन मिल गया मुझको. ये दिस वाज पासिंग थ्रू पॉइंट 13.2. दिस इज 9l. ठीक है, अब दूसरा क्या बोला है? लाइन के इज पैरेलल टू लाइन एल. तो अगर पैरेलल है, ठीक है, हाँ, स्लोप सेम रहेगा. ठीक है, स्लोप सेम रहेगा. और 1/5 याद है क्या? ये पैरेलल लाइंस के लिए मैंने ये बताया था, a1/a2 शुड बिकम इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. याद है क्या? और कोइंसिडेंट रहेगा तो ये इक्वल भी हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा. याद आ रहा है? ठीक है, पढ़ा लिखा किया करो घर पे तो याद आएगा, वरना तो ऐसे लिखते बैठेगा क्या चल रहा है. समझा? a1/a2 is equal to b1/b2. तो इसका a1 कितना है? 1/5 होल डिवाइडेड बाय k का कितना है? 1/c. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू इसका b1 कितना है? -1/20 डिवाइडेड बाय उसका कितना है? 1/3. Have you understood? Yes. तो देखो इसमें अननोन कौन है अभी? ओनली c इज अननोन. तो ढूंढ सकता है यहाँ पे. तो ऊपर जाएगा तो c/5 हो जाएगा ना. ये ऊपर जाएगा ना, क्या ना? c/5 इज इक्वल टू -3/20. 5/20 कैंसिल 4. तो c का कितना आया? -3/4. डिड यू ऑल गेट दिस? तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन क्या होगा? x की जगह पे क्या आएगा? अपॉन सी है ना, तो क्या बन जाएगा? देखो -4x/3 होगा क्या? सी कितना डल गया? -3/4. 4 किधर जाएगा? -4x/3 प्लस क्या? वाई अपॉन बी कितना है? बी 3 किधर है? बी अच्छा 3 है क्या? सॉरी माय मिस्टेक, मैं पहला वाला देख रहा था. इज इक्वल टू व्हाट? 1. ये किसका इक्वेशन है? जो कि k है ना. अब पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस. डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला पता है ना, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a2 प्लस b2. लेकिन वो इक्वेशन उस फॉर्मेट में होना चाहिए. कौन सा फॉर्मेट पता है ना? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है. तो बनाओ मल्टीप्लाई थ्रू आउट में क्या करूं? कह रहे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करो. इधर क्या मिलता है? 4x मल्टीप्लाई बाय 20 करो. माइनस वाई. आर यू गेटिंग दिस? और इक्वल 20 तो -20 इक्वल टू 0. हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो इस इक्वेशन को करो मल्टीप्लाई क्या 3 कर देंगे. इनफैक्ट मल्टीप्लाई में -3 कर देंगे. इक्वेशन सेम दिखना चाहिए, मतलब मतलब पैरेलल है ना ये. मल्टीप्लाई -3 करो तो माइनस साइन गया 4x. तो 4x माइनस वाई माइनस 3 इधर आएगा तो +3 इक्वल टू 0. सबको समझ में आ गया? c1 माइनस c2 करना है ना. ठीक है, राइट ऑप्शन c1 माइनस c2. -20 माइनस 3 कर दो या 3 माइनस 20 कर दो. माइनस माइनस फॉर्मूला पता है ना सबको. चोरी बिकम 23 अपॉन रूट ऑफ a कितना है और b कितना है? -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, बराबर ना. सो आंसर इज 23 अपॉन व्हाट? रूट ऑफ 17 ना. है क्या? है. सबको समझ आ गया? डिड यू गेट दिस? क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा था ना, खत्म करो जल्दी से एंड यू कैन स्लाइड लेट इट डाउन. ठीक है, हाँ हाँ देखो ना पहला अच्छे ही कर लो. तो जो जो क्वेश्चंस पहले हो सकते हैं वो देख लेंगे ना फटाफट. 11 है क्या पहला? हाँ 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 ठीक है ना. मतलब मैंने मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? 11 है क्या पहला? तुम्हारा जॉब क्या होना चाहिए था? हाँ है कि नहीं? Now I can say question 15.
and equation of a line whose segment between the chordal axis is divided by so and so. So again, I'll draw the line now. X axis, y axis, and origin. ये line ले लो, ठीक है? Coordinates क्या दिया है point का? 1/2, 1/3. थोड़ा आगे रहेगा, 1/2 ज़्यादा है 1/3 से. 1/2 मतलब 0.5 रहता है. 1/3 0.33 रहता है. तो थोड़ा सा आगे आएगा, but ठीक है, चलो चल जाएगा. This is point A I can call. This is point B. Point A का coordinates पक्का मालूम मुझे क्या होगा? भले unknown है value, लेकिन A comma zero नहीं one क्यों होगा? मत पता नहीं कितना value. A comma zero, ठीक है? A comma zero one क्यों होगा रे? और B का coordinates कितना होगा? Zero comma B. कितने रेशों पे काट रहा है ये point? अब देखो 2:3 बहुत बड़ा game हो सकता है यहाँ पे. तुमने 2:3 यहाँ पे ले लिया, तो कुछ अलग answer आएगा. और उल्टा ले लिया तो कुछ अलग आंसर आएगा. अब ये तो बोला नहीं उसने कहा क्लियर रेशियो, बराबर ना? स्टैंडर्ड ऐसा रहता है, समझ में क्या बोल रहा हूं? स्टैंडर्ड तरीका यही है 2:3. आर यू गेटिंग दिस? अब मुझे पता है एक्स कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला मालूम है सबको. सो आई नो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज डिवाइडिंग, पॉइंट पी बोल दो, ये पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी जो 1/2 है विल बिकम इक्वल टू, अगर ये एम बोल दिया मैं तो एम का किधर मल्टीपल होता है पता है ना? ऑपोजिट वाले पॉइंट पे. और ये एन में जाके किधर मल्टीपल होता है? ये वाले पॉइंट पे. समझा क्या? ऐसे जाके मल्टीपल होता है, ठीक है? सो एक्स कॉर्ड ऑफ पॉइंट पी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन, फॉर्मूला पता है ना ये? सो कितना है तुम्हारा पॉइंट पी का एक्स कॉर्डिनेट? 1/2 है. This is equal to 2 multiplies with 2 into A plus 3 multiplies with 0. X coordinate ढूंढ रहा है ना, मैं तो X के साथ ही multiply करेगा. So 3 into 0 divided by what? 2 plus 3. समझा ना? So I get this is how much? 5. 5 उधर ऊपर जाएगा क्या? 5 upon 2. ये तो गया मालूम है ना? ये टू इधर नीचे आएगा क्या? तो एक वाले कितना आया? 5/4. वन नहीं आया, देखा ना? सबको समझा क्या? तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता चल गया कितना है? 5/4, 0. दैट मींस इज द एक्स इंटरसेप्ट 5/4. हैव यू अंडरस्टूड? कैन यू डू द सेम थिंग फॉर वाई इंटरसेप्ट नाउ? चलो तो वापस 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा अभी? वेरी गुड. तो मैं वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा हूं. कितना है वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का? पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? देखो क्या डायरेक्टली की फॉर्मूला लिख के बताने का जरूरत है. सो 1/3 इक्वल टू, चलो बताओ, 2 into 0 वेरी गुड, 2 into 0 प्लस 3 into b वेरी गुड, 3/b अपॉन 3 into b अपॉन 5. तो 5 ऊपर जाएगा क्या? बराबर. ये तो 0 क्या गया, 3 नीचे आएगा क्या? सो बी का वैल्यू कितना? 5/9. मतलब तुमको y इंटरसेप्ट पता चल गया? 0. y इंटरसेप्ट कितना है? 5/9. हाँ, वो तो b का कोऑर्डिनेट्स हो गया. y इंटरसेप्ट कितना है? 5/9. अब तुम इक्वेशन लिख सकता है क्या? इक्वेशन क्या आएगा? x अपॉन 2y + 9 = 5. ये हो गया ना? 4x + 9 ऑप्शन 6 इज द आंसर. यस, x अपॉन x इंटरसेप्ट इज 5/4. तो x अपॉन 5/4 ऊपर प्लस y अपॉन क्या? 5/9. 5/9, 5 नीचे 9 ऊपर इज इक्वल टू 1. सो 5 फॉर द वैल्यू 4x + 9y इज इक्वल टू 5. ऑप्शन सी इज द आंसर. हैव यू अंडरस्टूड? सो मुझे भी हो गया, नोट ऑन करो जल्दी से. कर लिया? वेरी गुड. कैन वी मूव अहेड? हां नहीं, हां ठीक है, जल्दी करो फिर, डू इट क्विकली. कम ऑन, करेंगे करेंगे, रुको पहले और 2-3 क्वेश्चन नीचे देख लेते हैं. ये 12th और 13th ना थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो जो आसान आसान है वो फटाफट निपटा देते हैं ना, फिर ये बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे. ऊपर स्लाइड करो, देखो क्या है क्वेश्चन आगे. हे ऊपर ऐसे. हाँ अभी कितना? 16 और 17. हाँ चलो पहला ये फटाफट निपटा देंगे. 16, 17. अरे वाह, फिर 10 ही क्वेश्चन बचा ना, 1 to 10.
और जनरली पहले क्वेश्चन तो आसान रहते ना 1 टू 10 बहुत टाइम है अपने पास आधे घंटे में तो 100 क्वेश्चन खत्म कर दिया चलो हो गया क्या पढ़ना क्वेश्चन अगला इसको उसको ताकने से अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो अदर ऑल्सो पीपल रीड द 16 क्वेश्चन देखो कुछ दिमाग लगा सकते हैं खुद अपना पहले टैन थीटा का फॉर्मूला लगाओगी एंगल पूछे तो टैन थीटा का फॉर्मूला लगेगा एंगल बिटवीन लाइंस पूछे तो भाई ये फॉर्मूला है मेरे पास है ना टैन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वेरी गुड आर यू डन नाउ विद द क्वेश्चन हां हां वही भाई वैसे ही करना You can get slow. Should I start with the question? Hey, you समझ आ रहा है सोनिया? हाँ. अच्छा. ठीक है. ठीक है बहुत. Next time, next year अब आप उससे पहले हो गया रहेगा. हाँ, very good, very good. चलो, ये लाइन का slow बताओ. Minus. Hey, क्या? हाँ, minus. X upon y. नहीं. किधर से आया? Section बताओ दोनों को. What are you telling me? क्या है स्लोप चेंज हो रहा हाँ माइनस कॉस अल्फा अपॉन अरे समझ में आता है क्या माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई व्हिच इज कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा आई एम गेटिंग ये हो गया m1 व्हाट अबाउट m2 साइन बीटा अपॉन कॉस अपॉन ओके साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा सभी लोगों को समझ में आ गया तो दो लाइन के बीच में एंगल पूछा उसने आई वांट टू गेट एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैन मेक यूज ऑफ टैन थीटा का फार्मूला tan theta is equal to what formula do you know m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 ठीक है सो मैं क्या कर रहा हूं जो पॉजिटिव है पहले उसको लिख देता हूं क्योंकि ऊपर m1 minus m2 रहता है ना तुमको लिखना रहेगा इतना बोरिंग थोड़ी पढ़ाता हूं मैं चलो ये पॉजिटिव है सो आई राइट sin beta upon cos beta प्लस हो जाएगा क्या m1 minus m2 था ना तो मैं m1 मैं क्या कर रहा हूं इसको m2 ले लेता हूं और इसको Is that okay? Yes. Doesn't make a difference, right? M2 minus M1. Sorry, M1 minus M2. So, this minus this. So, here plus sign will come. And you have cos alpha upon kya? Sin alpha. Barabar na? Sabhi logo ko samajh mein aa gaya yahan tak. Whole divided by what? 1? 1 plus. Plus kya? M1 into M2. So, minus ho jayega na wapas. Minus. Minus kya? Cos alpha upon sin alpha multiplied with sin beta upon cos beta. Have you all understood this? Yes. चलो simplify करेंगे. Simplify कर दो. क्या cross multiply? Cross multiply करो. क्या मिलता है? Sin alpha sin beta plus cos alpha cos beta. ऐसा लिख दो चलेगा? Cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. अभी भी वही है. पता है ना? और denominator में क्या आने वाला है? cos beta sin alpha वो इधर है देखो इधर भी cross multiply करने वाला हूं मैं तो वो कैंसिल हो जाएगा समझ में आया अच्छा डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो बताओ 1 अरे 1 कैसे आएगा रे sin alpha cross multiply करने के बाद कैंसिल होगा ना पहले कैंसिल कर रहा है क्या नहीं ना देखो ऐसे तो ऐसे हो रहा देखो cos beta सब तो cos alpha sin सब कैंसिल हो रहा है आ गया आंसर फटाक से है ना ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है हाँ साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस क्या कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा हैव यू अंडरस्टूड दिस दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है नाउ लुक एट द कंपाउंड एंगल फॉर्मूलास व्हाट्स द न्यूमरेटर कॉस वेरी गुड दिस इज कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा हैव यू अंडरस्टूड डज इट बिकम कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा ठीक है थोड़ा देर के लिए मैं इसको cot phi बोल देता हूं अल्फा माइनस बीटा का नाम मैंने phi रख दिया cot phi अब देखा तुमने tan theta is equal to क्या मिला तुमको cot phi tan theta is cot phi can you write cot phi as tan of
फाइव बाई टू माइनस फाइव, दोनों जगह पे टैंजेंट रहेगा तो कटेगा ना, ठीक है, कैंसल नहीं होता है, कंपैरिजन होता है, दोनों जगह पे टैंजेंट होना चाहिए, एक बाजू टैन और एक बाजू कॉट है तो नहीं चलेगा, ठीक है, तो दूसरे वाले कॉट को मैंने टैन में बदल दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला है, देखो ये, आई होप यू ऑल नो दिस, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इट कॉट थीटा, पढ़ लो, कॉट थीटा विल बी, कॉट फाइव विल बी, टैन ऑफ फटाफट निपटा चोगे उसको, तो स्टार्ट कहां से होगा पता है ना, पहला क्या ढूंढा मैंने, पहला क्या ढूंढा था, क्या पाएंगे स्लोप्स, ठीक है, क्या हुआ, क्या क्या बोल रहे हो, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अच्छा अच्छा हाँ क्या, ठीक है, तो अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, पाई बाई टू माइनस बीटा दिया है क्या, एंड प्लस अल्फा ना, हाँ ठीक है चलो, तो फिर क्या यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, यू हैव कॉट ऑफ फाइव, सो इट इज टैन ऑफ पाई बाई टू माइनस फाइव, पाई बाई टू माइनस, हाँ माइनस बीटा प्लस अल्फा हो गया क्या, ओके क्या बोल रही हो, हाँ ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन सही है क्या, हाँ अरे तो टाइमिंग क्या हुआ, इसमें ऐसा कुछ नहीं, पाई लिखा हुआ है वो बराबर है, और क्वेश्चन इज 16 क्वेश्चन, अब माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बच जाएगा ना माइनस साइन, आर गेटिंग, माइनस साइन बच जाएगा यहाँ, लेकिन मॉडुलस का पर्पस क्या है, कॉमन लॉजिक है वो, समझ में आया, मॉडुलस का पर्पस, मॉडुलस डाला है वहां पे, इसका मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, अगर नेगेटिव आंसर है तो उसको पॉजिटिव ही लेना है मुझको, ठीक है, देख रहा है आंसर निकालने के चक्कर में, ठीक है माइनस ले लिया, ठीक है यहाँ पे माइनस साइन रख दिया मैंने, तो देयर इज अनदर फॉर्मूला, व्हाट इज टैन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, दिस इज माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा टैन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 5, अब अगर प्लस 5 बन गया देखो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पे माइनस बीटा हो जाएगा और प्लस अल्फा, अभी सही है, समझा क्या, ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन है क्वेश्चन को, आंसर के हिसाब से उसको ढाल दिया है, यू गॉट इट, चलो कर लो कंप्लीट जल्दी से, अब जो आंसर है वही वाला करो ना, ठीक है, सो जैसे अभी ये बोल रहा था कि अगर मॉडुलस का साइन निकालो प्लस वाला साइन डालो, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ जब मॉडुलस का साइन निकलता है तो प्रेफरेंसेस पॉजिटिव वैल्यूज को दिया जाता है, नॉट फॉर द नेगेटिव वैल्यूज, हाँ मॉडुलस का वैल्यू जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, अरे नेगेटिव लोगे तो फिर मैं कहता नहीं बोल रहा हूँ लो ना नेगेटिव, नेगेटिव लोगे लेके भी आंसर अभी अभी यहाँ पे तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर नेगेटिव लेके ही आ रहा है, पॉजिटिव लेके आ नहीं रहा है, तो नेगेटिव लेके करो, लेकिन लॉजिकली क्या है, व्हाट डज द लॉजिक टेल, मैथमेटिक्स क्या बोल रहे हैं कि अगर मॉडुलस का साइन है और तुम हटाने वाले हो प्लस माइनस आएगा, प्रेफरेंसेस पॉजिटिव वैल्यूज को, अगर तुमको एक ही आंसर दिया है मैंने तो एक आंसर कहाँ से लाया है, किसको इक्वेट करके लाया है, प्लस वाले को, नॉट माइनस वाले को, समझा क्या, ठीक है, क्वेश्चन में जब दो आंसर दिए रहेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जब एक आंसर दिया रहता है तो एक आंसर जनरली कहां से लाया जाता है, पॉजिटिव वाले को इक्वेट करके, ठीक है, मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, चलो निपटाओ जल्दी जल्दी, हो गया, वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 पढ़ लो, आसान क्वेश्चन है, तो ये सब तो हो ही गए बराबर, शुड आई एरेज दिस आल्सो, ठीक है चलो, 17 क्वेश्चन, सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा इसमें मिसिंग कुछ है, देयर वाज अ करेक्शन इन दिस क्वेश्चन, दिमाग खा गया ये क्वेश्चन है मेरा, ax प्लस 2by, ठीक है, दिस इज द
क्वेश्चन ए एक्स प्लस टू बी वाई प्लस थ्री बी इक्वल टू जीरो, अब हो जाएगा सॉल्व। अब वो क्या बोल रहा है, लाइन किसको पैरेलल है, जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या रहेगा, वाई इज इक्वल टू, तो मुझे वाई चाहिए। और वो लाइन कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू व्हाट ऑफ दीस टू लाइंस, आर यू गेटिंग इट, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, बराबर ना, जो भी कोऑर्डिनेट मिले, सपोज मैंने सॉल्व कर दिया और कोऑर्डिनेट्स पी कॉमा क्यू मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये दो लाइन था और ये पी कॉमा क्यू मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब लाइन कहां से पास होना चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड passing through this point of intersection, तो ये लो ये बना दिया हमने लाइन, parallel to what x axis, passing through what intersection of p, q, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, उधर मत सोचो मुझे जनरल बताओ इधर इधर क्या होगा, अरे x equal to कैसे होगा, y equal to q हो जाएगा ना, can you understand y equal to q, सर सिखाया था मैंने ये भी, parallel to x है तो y equal to ही रहता है, अब कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, पी कॉमा क्यू, इसका मतलब किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, इसलिए वाई को क्यू आता है ना उसका इक्वेशन, तो तुमको वाई निकालेंगे, वाई ये दो को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, एक्स भी आएगा और तुमको क्या चाहिए, वाई, अगर तुमको वाई चाहिए तो किसको एलिमिनेट करेंगे, एक्स को, तो ध्यान से देखो कैसे होगा एक्स एलिमिनेट, इधर ax है, इधर bx है, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, b के साथ, वेरी गुड, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, a के साथ, सभी लोगों को समझ में आया, बताओ चलो इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद, कम ऑन डू इट, abx प्लस 2b स्क्वायर y देन प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन बोलो abx माइनस 2a स्क्वायर y एंड माइनस थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, कैन आई सब्सट्रैक्ट, ये माइनस बन गया, ये प्लस बराबर, ए बी एक्स और ए बी एक्स दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, टू वाई कॉमन है, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टू और ये वाई, ये भी क्या हो जाएगा प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस, हैव यू अंडरस्टूड, कैन ट्रांसफर दिस टू अदर साइड, तो वाई इक्वल टू क्या बन गया, चलो बताओ, ये उठाओ उधर लेके जाओ और नीचे भेजो, माइनस थ्री बाई टू, नीड टू गेट दिस, तो ये लाइन किधर है, अबव और बिलो, बिलो बिलो कितना डिस्टेंस पे, बताओ क्या आंसर है, सबको समझा क्वेश्चन, आई विल अंडरस्टूड, खत्म करो जल्दी से, चलो अब इसमें दो ही क्वेश्चन बचा है ना, yes look should I erase that angle wala question ho gaya sabka aur ye to kya karna hai pata chalega na tumko so should I clean this entire thing now yes sir ye bhi nikal do is question ka multiply by a aur b wala chalo fir theek hai then you can slide out कौन सा क्वेश्चन है अभी 12 एंड 13 लेवल 1 का क्वेश्चन बहुत इजी है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा लेवल 3 का कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा क्रिटिकल है वो करके जाओ रे कर लो ना खत्म आज देखना तो है 20-25 क्वेश्चन है जो जो तुमको लगता है कि हाँ ये हो जाएगा वो हम लोग स्किप कर लेंगे जो नहीं होगा वो मैं करा दूंगा आज लेवल 2 मैंने कुछ और सिखा दिया तुमको तुमको कुछ और दिया हुआ है लेकिन उसपे बहुत सारे क्वेश्चंस वो वाले लेवल 2 के ही है लेकिन उसमें 90 क्वेश्चंस है ठीक है तो घर जाके वो 90 क्वेश्चंस करना उसमें से जो नहीं आएगा वो तुम पूछ लेना ठीक है चलो हो गया शुड आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन कौन सा बाकी है 12 एंड 13 ठीक है चलो दोनों जल्दी जल्दी कर लेते हैं लेट्स बिगिन विद 12th क्वेश्चन प्लीज रीड द 12th क्वेश्चन क्विकली पढ़ लो जल्दी से हैव यू राइट चलो लेट्स स्टार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ व्हाट लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू व्हाट पॉइंट
4, 3 ठीक है आई एम मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच सम इज ठीक है सम माइनस वन आना चाहिए सबका ही आ रहा है देखो नहीं इनको छोड़ के यहाँ पे देखो 2+1 करोगे इतना आंसर आएगा तो सब माइनस वन चाहिए ना यहाँ पे 2 और दूसरा माइनस 3 है समझा ना प्लस 3 नहीं है बीच में माइनस है ना तो 2 और माइनस 3 कितना सम आएगा माइनस 1 ऑप्शन बी हो सकता है क्योंकि माइनस 2+1 यहाँ पर भी आ देखो ए और सी दोनों पे आएगा यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 2 और 1 है ना 2+1 करोगे कितना आएगा इधर आएगा लेकिन दूसरे वाले पे नहीं आ रहा समझा क्या तो ये पता चल गया है कि आंसर कहाँ पे होगा ए और बी में रहेगा समझा और आगे जाके तुम चेक कर सकते हो पॉइंट दिया क्या 4.3 अब पता चल गया ना ए और बी में से कोई एक आंसर है समझा 4 और 3 डाल के देख लो जिसने सेटिस्फाई कर दिया वो तुम्हारा आंसर तो यहाँ पे 4 डाला कितना आंसर आया 4/2 विच इज 2 3/3 आ रहा है सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे भी चेक करो 4 और यहाँ पे क्या 3 4 upon -2 -2 +3 आंसर इज 1 पक्का ऑप्शन ही आंसर है समझा फिर भी दिल की तसल्ली के लिए बी भी चेक करके देख लो ठीक है क्या आएगा 4 upon 2 is 2 y upon 3 3 upon 3 is 1 2 - 1 हो गया क्वेश्चन समझ में आया लेकिन अगर सपोज ऐसा हुआ कि दोनों ही सेटिस्फाई कर दिए तब क्या करोगे समझा ना तो वो सिखा रहा हूं तो ये मैंने सिखा दिया ऑप्शन मेथड से ठीक है हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस हैव यू अंडरस्टूड दैट दो कंडीशन दिए थे मैंने दोनों चेक कर लिए ठीक है अब इसका सही सही तरीका क्या वो देख लो ठीक है सो हाउ डू आई बिगिन ऑब्जर्व केयरफुली क्योंकि वो बताना पड़ेगा मुझको क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि सेटिस्फाई हो जाएंगे दोनों द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 3 तो पॉइंट है मेरे पास मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहा है ना तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ लाइन का व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन x upon a plus y upon b is equal to अब मुझे नहीं पता a और b कितना है लेकिन मुझे ये पता है ये लाइन कहां से पास हो रहा है 4, 3 से तो 4, 3 लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा सो डू आई गेट 4 upon a + 3 upon b = 1 अरे समझा क्या सबको समझा ये क्या किया मैंने अब आगे देखो व्हाट इज टोल्ड अबाउट द इंटरसेप्ट्स सम इज हाउ मच मतलब वो ये बोल रहा है क्या a प्लस बी करोगे तो माइनस वन आता है अगर a प्लस बी माइनस वन आता है तो b क्या आएगा व्हाट इज b माइनस वन माइनस ए समझ में आया दो इक्वेशन मिला a और b का उठा के इसमें डाल दो साइमल्टेनियस सॉल्विंग कर रहा है ना दो अननोन है ना मेरे पास a और b दो अननोन तो दो इक्वेशन लगेगा मुझको एक ये था और एक ये है बी के जगह पे क्या वैल्यू डाल दिस इज माइनस ऑफ 1+ a इज इट ओके ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो सो 4 upon a माइनस हो जाएगा बराबर 3 upon 1+ a इज इक्वल टू वेरी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into क्या 1+ a माइनस 3 into अपॉन आने वाले मालूम है ना अपॉन a into 1+ a अपॉन का टर्म किधर जाएगा राइट साइड पे ए मल्टीप्लाइज विद 1+ a कम ऑन सिंपलीफाई नाउ 4 + 4a - 3a a² तो आई राइट ए स्क्वायर फर्स्ट 4a - 3a a एंड a आंसर तो a² = 4 दैट मींस a का वैल्यू क्या आएगा अगर a का वैल्यू जब +2 रहेगा a का वैल्यू +2 रहेगा तो b कितना आएगा b का तो देखा ना -3 वेरी गुड b का वैल्यू क्या -3 और जब a का वैल्यू -2 रहेगा तब b कितना आएगा +1 वेरी गुड सो इक्वेशन बोलो चलो इक्वेशन का x upon a ना x upon 2 plus y upon b b कितना है सो so, y upon minus equal to 1 और दूसरा इक्वेशन x upon -2 plus y upon 1 is equal to 1 है क्या समझाना ऑप्शन है आई यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन खत्म करो जल्दी से 12 एंड देन वी गो टू 13 वेरी गुड है और 5 मिनट सो माय फर्स्ट अप्रोच वाज एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन मेथड ठीक है उससे आंसर आ गया था अपना
But you should know how the actual method of solving the question is. इसे मैंने बता दिया. Finished. Read the next question please quickly. What's a critical question? Hai wo. Should I erase this? Ho gaya? Chalo, dekho. So, see the question, what it is. 13th na? Straight line through what point? 2, 3. ठीक है? A straight line through a fixed point 2, 3. अब देखो ध्यान से क्या हो सकता है. ये x axis है, y axis है. और ये point है 2, 3. Can I have a line like this? Can I have a line like this? हो सकता है ना? समझा? I can also have a line which is going like this. कितने लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हो? समझ में आ रहा है क्या? यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स. ठीक है, अब देखो, सपोज तुमने ये वाला लाइन चूज कर लिया, ये वाला. ठीक है, मेकिंग दिस लाइन. अब देखो, ये ओरिजिन है क्या? मैंने ये वाला लाइन लिया, ये वाला. दिस लाइन अंडर कंसिडरेशन. आर यू गेटिंग? कैन आई टेक दिस एज पॉइंट पी, दिस एज पॉइंट क्यू? बराबर. अगर मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया ऐसे ऐसे देखते हैं, आई हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर लाइंस, कैन आई कॉल दिस पॉइंट एज आर्क? देन हु इज ओपी आर क्यू? ओपी आर क्यू ना, या ओक्यू आर पी, क्या नाम दिया उसने? देखो, ओपी आर क्यू, व्हाट इज इट? रेक्टेंगल. है ना, रेक्टेंगल. तो ये पॉइंट आर एक ही जगह पे कि बदलता रहेगा? बदलता रहेगा ना, क्योंकि लाइन फिक्स है मेरा. मैंने एक लाइन लिया था, ऐसे मैंने लाइन बदल दिया. उसने लाइन के बारे में कितना बोला? उसने इतना ही बोला कि ये लाइन एक पॉइंट से जा रहा है. अब एक पॉइंट से हजार लाइन जा सकता है, समझा? और हर लाइन पे ऐसा पी और क्यू आता रहेगा, और फिर आर आता रहेगा. सो आर विल कीप ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन ना. आर इज अ वेरिएबल पॉइंट, कैन यू अंडरस्टैंड? आर ही वेरिएबल पॉइंट है. तो लोकस का आंसर देखो, क्वेश्चन पढ़ के देखो. स्ट्रेट लाइन थ्रू फिक्स पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू. इफ ओ इज द ओरिजिन एंड द रेक्टेंगल इज कंप्लीटेड, देन व्हाट इज द लोकस ऑफ आर? ठीक है, पॉइंट आर का लोकस पूछ रहा है. समझ में आ रहा है क्या? तो जिसका लोकस पूछा है, पॉइंट आर का पूछा है ना, तो उसका कोऑर्डिनेट लिया जाता है एक्स कॉमा वाई. याद रखना तुम, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन लोकस. जिसका लोकस पूछा है उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिया जाता है. समझा? अब आगे बढ़ेंगे. शुड आई स्टार्ट दैट? अब वो एक्स कॉमा वाई के, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो आई जस्ट मेक अ गुड डायग्राम सो दैट यू अंडरस्टैंड. बट ये समझ में आया क्या? पॉइंट आर इज अ वेरिएबल पॉइंट. हैव यू अंडरस्टूड? पॉइंट आर इज व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट? वेरिएबल पॉइंट का मीनिंग समझ में आया? उसका जगह फिक्स नहीं है, वो बदलता रहेगा. और क्यों बदलता रहेगा वो भी पता चल गया है ना, क्योंकि लाइन अलग अलग हो सकता है. ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज आई टेक द एक्स एक्सिस, आई टेक द वाई एक्सिस. दिस इज सम लाइन, दिस इज द ओरिजिन, दिस पॉइंट पी, इट इज पासिंग थ्रू व्हाट पॉइंट? अरे ये लाइन कौन से पास हो रहा है? दिया है ना उसने, उसका नाम है ए है क्या? ऐसे ही है, कुछ भी है, रैंडम. सो आई कैन कॉल दैट एज पॉइंट ए. समझा क्या? पता नहीं किधर है ये पॉइंट. ठीक है, मतलब मिड पॉइंट पे तुम नहीं बोल सकते कि मिड पॉइंट पे रहेगा यहाँ पे.
एक्स इज टू एंड वाई इज थ्री, यहां पे ले लेता हूं चलेगा, एक्स इज टू एंड वाई इज थ्री, दिस इज पॉइंट ए, इसका क्वाड्रेंट है 2, 3, दिस पॉइंट इज व्हाट पॉइंट, दिस पॉइंट इज व्हाट पॉइंट, आपका क्वाड्रेंट क्या ले रहे हम लोग, एक्स कॉमा वाई, समझ में आया? सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। सो सबसे पहला हम लोग ये लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, कैन आई गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन निकालने के लिए क्या लगता है, स्लोप लगता है, पॉइंट लगता है, पॉइंट है क्या तुम्हारे पास, पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या है, स्लोप है क्या, कैसे निकालोगे स्लोप, सॉल्व करके, सिंधे वेरी गुड, तो स्लोप निकालने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, ना एंगल है ना दो पॉइंट है, समझा ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, तो स्लोप नहीं पता मुझको, बट कैन आई कॉल द स्लोप एज एन, इज इट ओके, सी आई एम ट्राइंग टू गेट द इक्वेशन ऑफ दिस पॉइंट आर, ठीक है, तो भले मुझे स्लोप नहीं मिला तो भी चलेगा, इक्वेशन लाके दे देखना मुझे आर का इक्वेशन क्या आएगा, सो अगर आप चलेगा पीपल दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी क्रिटिकल, यू हैव टू रियली पे प्रॉपर अटेंशन टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, स्लोप एन एम बोल दिया, कैन आई नाउ गेट द इक्वेशन ऑफ एन पी क्यू, चलो इक्वेशन ऑफ पी क्यू बताओ, अरे स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ ना भाई, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप है ना एम और पॉइंट है ना मेरे पास 2, 3, कैन आई यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, बोलो y माइनस हाँ इज इक्वल टू m इंटू x माइनस, वेरी गुड, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, समझा, कैन यू गेट मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, अच्छा इसका एक क्वाड्रेंट तो मुझे पता है पक्का, y जीरो, सो अगर y का वैल्यू जीरो डाल दिया मैं इस इक्वेशन में, कैन आई गेट, ये इसका इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे अगर y जीरो डाल दिया तो x का क्वाड्रेंट मिलेगा क्या, डाल दो जीरो, क्या मिला, माइनस थ्री एम एक्स माइनस टू एम, सो एम एक्स बिकम्स इक्वल टू टू एम माइनस थ्री और एक्स बिकम्स इक्वल टू टू एम माइनस थ्री अपॉन, समझा रे सबको, क्या आया पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स, टू एम माइनस थ्री अपॉन एम, पीपल हैव यू रियली अंडरस्टूड दिस, आई गॉट अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कैन यू गेट फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू ऑल्सो, पॉइंट क्यू के लिए क्या होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, वेरी गुड, सो व्हाट डू आई डू, टेक एक्स कोऑर्डिनेट पुट हियर, एक्स के जगह पे जीरो डाल दो, तो ये मैंने वाई जीरो डाल दिया था, अब एक्स जीरो डाल रहा हूं, बताओ हाँ वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस, सो व्हाट डज वाई बिकम इक्वल टू, माइनस टू एम प्लस थ्री या थ्री माइनस, हैव यू अंडरस्टूड, मतलब ये जो पॉइंट है क्यू इसका वाई कोऑर्डिनेट थ्री माइनस टू एम आया, समझ में आया, कैन यू नाउ टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, वेरी गुड, पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट पी का जो है वही रहेगा क्या, सो पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी टू एम माइनस थ्री अपॉन एम, और पॉइंट आर का वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वेरी गुड, थ्री माइनस, प्रोसेस समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है, एक्स और वाई ढूंढ के लाया मैं, एक्स और वाई दोनों किस पे डिपेंडेंट है, स्लोप एम पे, एम बदलेगा एक्स और वाई बदलते रहेगा, समझा, तो एम को हटा दो वहां से, एलिमिनेशन ऑफ एम, ठीक है, दिस कॉल्ड एज एलिमिनेशन ऑफ एम, सो व्हाट इज एक्स इक्वल टू, टेल मी एक्स इक्वल टू क्या मिला, एक्स को क्या मिला है, यही ना 2m माइनस 3 अपॉन m, समझा, तो बताओ m क्या हो जाएगा यहां से, आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ m, सो अगेन डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस, मुझे m निकालना है, मैं इसमें से भी निकालूंगा और इसमें से भी m निकालूंगा, दोनों जगह से m निकालूंगा, इधर भी m आया, इधर भी m आया, दोनों जगह का m तो सेम ही होना चाहिए ना, तो m एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वेट कर दूंगा मैं, तो यहां से मुझे m बताओ, चलो तो क्या करना पड़ेगा, m क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर, ठीक है, सो आई गेट mx इज इक्वल टू 2m माइनस 3, तो 2m को इधर छोड़ दो या जैसा तुमको ठीक लगे, 2m को उधर भेज दिया, तो क्या मिलेगा, m into x माइनस 2 इज इक्वल टू, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m इक्वल टू माइनस 3 x माइनस 2, वेरी गुड, यहां से भी करो, चलो 2m को उधर भेज दो, 2m इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ थ्री माइनस वाई हो जाएगा, आर यू गेटिंग, सो एम का वैल्यू कितना अपॉन टू, सो कैन आई इक्वेट दिस वैल्यू ऑफ एम विद दिस वैल्यू ऑफ एम,
कर सकते हैं ना, तो क्या लिखूं आगे में, चलो बताओ। माइनस ऑफ थ्री अपॉन एक्स माइनस टू मस्ट इक्वल टू थ्री माइनस वाई अपॉन टू, इन क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट डू आई गेट, माइनस सिक्स। एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइज विद व्हाट, थ्री माइनस वाई, तो दिस इज थ्री एक्स बराबर माइनस एक्स वाई माइनस सिक्स प्लस टू वाई एंड माइनस सिक्स। विल द माइनस सिक्स कैंसिल, सो आई गेट थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। इज इट देयर इन द ऑप्शन, समझाएगा क्वेश्चन, रियली चैलेंजिंग क्वेश्चन। चलो खत्म करो जल्दी से। अच्छा बिफोर आई बिगिन, कौन सा ऑप्शन है सही वाला, ठीक है एक्स्ट्रा उधर जाएगा। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर जरा मुझे ऊपर का क्वेश्चन बताओ, पहले 10 क्वेश्चन दिखाओ। एक ही पेज है क्या कि दो पेज है, एक ही पेज है ना, ठीक है स्लाइड 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 और ऊपर जाओ। याद है सबको, थोड़ा और बोलो, ऑप्शन दिखाओ, याद है सबको, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर, 10 क्वेश्चन खत्म, ठीक है। और एंगल बी क्या है, अगर एंगल बी 90 है तो ए बी और बी सी एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, टेंजेंट स्लोप ऑफ ए बी टेंजेंट स्लोप ऑफ बी सी एंड द प्रोडक्ट शुड बिकम इक्वल टू, ढूंढ लेना के का वैल्यू, 7 आ जाएगा, 6 तो नींद में भी आ जाएगा। एंगल विद द वाई एक्सिस बोला, लेकिन ध्यान रखना उसका, तो ये वाई एक्सिस है क्या इधर, ये वाई एक्सिस ना, और लाइन इधर आ गया ऐसा, कौन सा डायरेक्शन में बोला है, पढ़ो। अच्छा वही बोला है क्या, द स्लोप ऑफ अ लाइन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री विद द, तो इधर भी हो सकता है ये वाइस है ना, उस तरफ भी हो सकता है, लेकिन प्लस 30 बोला है ना, हाँ दो एंगल, दो आंसर दिया, देखो उसने समझा, तो ये भी एंगल हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है समझा, लेकिन ये 30 रहेगा तो एंगल तो एक्स के साथ गिना जाता है ना, तो ये एंगल कितना आएगा, और ये वाला 120 समझा सबको, tan 60 tan 120 निकाल लेना जो आंसर आएगा तुम्हारा, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। और आओ फिफ्थ, तो ठीक है फिफ्थ में करा देता हूँ, फोर्थ भी करा देता हूँ, थर्ड क्या है, ठीक है नहीं आएगा, ओके ठीक है बाकी क्या कराता हूँ, चलो 6, 7, 10 तो हो गया ना, इसको नोट डाउन करो, टेक ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक बहुत है क्या, 10 बजे See what does it say? पढ़ो रे भाई क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ लो। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट A एंड B इज ऑलवेज इक्वल, व्हाट इज लोकस ऑफ P? तो P का लोकस पूछा है, तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, x, y। इसका डिस्टेंस पॉइंट A से इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, A प्लस B एंड, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस B से विच इज A माइनस B एंड, बोथ द डिस्टेंस आर व्हाट, इक्वल, ठीक है दोनों डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ, सो कैन आई से आराम से रे PA इक्वल टू PB, वाइट वाइट PA इक्वल टू PB, सो कैन आई से PA स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू PB स्क्वायर, समझा, स्क्वायर भी इक्वल रहेगा, सो व्हाट डू आई गेट, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा होता है, x माइनस a प्लस b द होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना, x माइनस a प्लस b द होल स्क्वायर प्लस, दूसरा क्या था, वो डोर खुला रखो रे, कीप द डोर ओपन प्लीज, कीप द डोर ओपन फॉर सम टाइम, बार बार अंदर बार कर रहे हो, सेटल हो जाओ जल्दी से, एंड यू गेट y माइनस a माइनस b
द होल स्क्वायर. समझा? दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? x माइनस a माइनस b द होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस b द होल स्क्वायर. हैव यू अंडरस्टूड? डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. एक्सपेंड कर दो. a माइनस b द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आता है ना, x स्क्वायर माइनस 2 a प्लस b x प्लस a प्लस b द होल स्क्वायर. समझा? a प्लस b द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लिया हमने. यहां पे क्या आएगा? प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ 2 a माइनस b इनटू y प्लस a माइनस b द होल स्क्वायर. गेटिंग पीपल? दिस इज इक्वल टू व्हाट? चलो इधर भी करो. x स्क्वायर माइनस 2 a माइनस b x प्लस a माइनस b द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 a प्लस b y प्लस a प्लस b द होल स्क्वायर. समझा एक्सपेंशन? x स्क्वायर y स्क्वायर a प्लस b द होल स्क्वायर a प्लस b द होल स्क्वायर a माइनस b द होल स्क्वायर. सबका साइन सेम है, सारे टर्म कैंसिल. समझा? तो अब क्या क्या बचा देखो. अच्छा और भी देखो, कैन यू ब्रिंग माइनस टू कॉमन? माइनस टू कॉमन निकलेगा क्या? यहाँ पे माइनस टू कॉमन निकलेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा. अब क्या बचा? ए प्लस बी. टू बचा ही नहीं ना, माइनस टू भी निकाल दिया ना मैंने कॉमन निकाल के. इधर का माइनस टू उधर का माइनस टू कैंसल. सो व्हाट यू गेट? ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी. पीपल हैव यू अंडरस्टूड? माइनस टू कॉमन निकाल लिया है. तो दोनों का साइन चेंज हो गया, प्लस बन गया. दिस इज इक्वल टू, इधर बताओ, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई. आर देयर टू टर्म्स ऑफ एक्स एंड टू टर्म्स ऑफ वाई? साथ में ले लो दोनों को, साथ में ले लो. एक्स कॉमन निकला, बताओ क्या बच गया? ए प्लस बी. कम ऑन, टेक दिस फ्रॉम हियर. माइनस ए, वेरी गुड. प्लस बी एंड एक्स, यू गॉट दैट? ठीक है. देन प्लस ए माइनस बी, इसको इधर भेजो. माइनस ए माइनस बी एंड वाई इक्वल टू जीरो. सो व्हाट कैंसल्स हियर? ए, यू गेट टू बी एक्स. व्हाट कैंसल्स हियर? ए, वापस से ए कैंसिल हो जाएगा क्या? पक्का ना? यस. यू गेट माइनस टू बी वाई इक्वल टू जीरो. है क्या ऐसा कोई इक्वेशन? टू बी कॉमन, जीरो डिवाइड बाय टू बी, आंसर इज व्हाट? एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो. हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन? चलो वेरी क्विकली प्लीज नोट इट डाउन फटाफट. बी फास्ट ना पीपल, प्लीज बी फास्ट. कम ऑन, ये बट आई वुड स्ट्रॉन्गली रेकमेंड फोटो निकालो जल्दी जल्दी. हां ऑनलाइन है फोन, हां शेयर कैसे होगा? वो करते हैं ऊपर वाले, सो तुम्हारा रिस्पांसिबल. ठीक है, चलेगा ना? तू मैंने बोला ना फोटो निकाल लो जल्दी हो जाएगा. तुम भी जल्दी फ्री, मैं भी जल्दी फ्री. हाँ ठीक है, मैं तू वीडियो चालू रहा, अभी वीडियो ऑन कर ले. ठीक है, ओके चलो. सो अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? क्वेश्चंस को समझ लो अभी ठीक से. ठीक है, ध्यान से सुनते रहो. अभी वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ कोर्स प्लीज गो होम एंड राइट डाउन दिस सॉल्यूशंस एट होम. अपने नोटबुक में लिख देना, वरना फिर नहीं आएगा. तू फोटो के भरोसे बैठेगा, हाँ मेरे पास फोटो है, मैं जब मेरा मन करेगा देख लेगा, तो भाई कुछ नहीं आने वाला है. नोटबुक पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस वापस से बैठ के सॉल्व करना. ठीक है, डमी क्वेश्चन वन, प्लीज रीड क्वेश्चन टू वेरी क्विकली. पढ़ लो जल्दी जल्दी, पढ़ो अच्छे से पढ़ो. व्हाट इज पॉइंट ओ? पॉइंट ओ क्या है? वेरी गुड, फिक्स पॉइंट है बोल रहे हैं. ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट देते तो फिक्स ही हो गया ना. और दूसरा पॉइंट कौन है? कहां पे रहता है? वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन. तो किसका लोकस पूछ रहा है? वो लोकस ऑफ पी ना, such that the perimeter of the triangle AOP becomes how much? So this is question number 2 that I am solving. So now if I draw the x-axis and the y-axis,
दिस इज द ओरिजिन ओ, इसका कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है मुझको, दिस इज द पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है 0.1, समझा। अब पी कुछ ऐसा पॉइंट लो ठीक है, सच दैट पेरीमीटर शुड बी इक्वल टू हाउ मच, सपोज मैंने पॉइंट पी इधर ले लिया और मैंने ज्वाइन कर दिया ट्राइंगल को, समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब है ओ ए प्लस ए पी प्लस ओ पी, आंसर कितना 4, तो पॉइंट पी इधर भी बेच सकता मैं और इधर, तो सजा वापस ज्वाइन करेंगे ट्राइंगल बनाएंगे तीनों साइड्स का सम लेंगे तो आंसर वापस कितना आ सकता है, तो समझा गया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो पॉइंट पी कैसा पॉइंट है, इज इट अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज अ वेरिएबल और मुझे पी का लोकस निकालना, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेंगे x, y, वेरी गुड, समझा, डू यू नो व्हाट इज लेंथ ऑफ ओए, हाउ मच, वेरी गुड, लेंथ ऑफ ओए इज 1 ठीक है, एपी पता नहीं ढूंढना पड़ेगा मुझको, समझा, प्लस ओपी पता नहीं है वो भी ढूंढना पड़ेगा, समझा ना, क्योंकि पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, दिस इक्वल टू व्हाट 4, that means is it telling you that AP plus OP is it 3? Yes sir. जो सिखा रहा हूँ ध्यान से सीखना भी है, ये वाला जो टेक्निक है ठीक है, because this will be applicable for some other questions also, ठीक है, चलो AP निकाल लें मुझे, AP should I be using the distance formula? Distance formula ना, AP निकालने के लिए क्या करूँ, distance formula will be root of very good x minus 0 the whole square plus y minus 1 the whole square, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपांड हो सकता है बट लेन लीव इट, ये एपी का वैल्यू है, व्हाट अबाउट ओपी, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, समझा क्या, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है, एपी का वैल्यू तुमने क्या डाल दिया, रूट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर, OP का वैल्यू क्या डाल रहा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू क्या, स्क्वायर ही करें, चलो ठीक है करो स्क्वायर ही, बताओ फिर तरह रहेगा, ये ग्रुप कंट्रीब्यूट रहेगा, स्क्वायर ही करोगे तो बहुत से लोग ऐसे स्क्वायर ही करते हैं, स्क्वायर 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 ए प्लस बी द होल स्क्वायर लेफ्ट में, अभी भी कुछ लोग सोच रहे बराबर तो है स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, कुछ समझ में आ रहा है क्या, इधर में नहीं है स्क्वायर, आई एम गेटिंग इट, ऐसा है और फिर स्क्वायर, अब ये स्क्वायर करने जाएगा ए प्लस बी तो होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर करोगे इसका रूट हट गया प्लस टू ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ना, इसका रूट नहीं हटेगा और बी का स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, लेकिन अपना अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए था, सारे रूट हटने चाहिए था, तो हटा क्या, सारे नहीं हटे, हाँ वेरी गुड, दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग, इधर स्क्वायर नहीं करेंगे, समझा क्या, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, किसी एक को उस तरफ भेज दो, कौन सा आसान है, कौन सा वाला आसान है, ये वाला ज्यादा आसान है, इसको उधर भेज दो, तो देखते ना तभी का आगे देखेंगे, एक मिनट थोड़ा तू पेशेंस रख, एक को भेज देते वहां पे, सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, नाउ यू डू द स्क्वायरिंग, स्क्वायर स्क्वायर, इसका स्क्वायर का रूट डायरेक्ट हट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर भी कर दो, चलो माइनस टू वाई, ऑफकोर्स ए माइनस बी द होल स्क्वायर, चलो ए माइनस बी द होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, समझा नहीं, प्लस होगा बराबर ना, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पहले वाले में अगर एक्सपांड कर दो कटता क्या, चांस ही नहीं है, दोनों एक ही बाजू है ना, समझा, दोनों एक ही बाजू, तो 2x² और 2y² आ जाएगा, प्लस एक बड़ा सा रूट भी बैठा रहेगा बीच में, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन वाला रूट बराबर, इधर किसका रूट बचा है, सिर्फ एक टर्म का रूट बचा है, कैन यू अंडरस्टैंड दैट, तो वो निकालना आसान हो सकता है मेरे लिए, ठीक है, कंपेयर टू द प्रीवियस वाला स्क्वायर, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, कैन आई, हां कैन आई नाउ टेक दिस माइनस 6 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म ऑन दिस साइड एंड एवरीबॉडी फ्रॉम हियर ऑन द अदर साइड, सबको उधर भेज दो,
तो ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, सिक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू नाइन माइनस वन एट प्लस, समझा सबको? कैन आई स्टिल गो फर्दर एंड डिवाइड थ्रू बाय टू, तो कितना बचेगा, थ्री रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर प्लस वाई। कैन आई डू स्क्वायरिंग नाउ एंड गेट रूट ऑफ द स्क्वायर रूट साइन, अभी क्या है पूरा का पूरा स्क्वायर रूट, समझा? तो अब वापस स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा, चलो बताओ, थ्री का स्क्वायर नाइन इंटू वॉट, सो टू राइट नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग करो सिक्सटी हाँ एट वाई प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट हैपेंस टू वन ऑफ द वाई स्क्वायर, हाँ कैंसिल ले रहे, यू गेट नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई स्क्वायर माइनस एट वाई माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, या फिर इक्वल टू सिक्सटीन कर दो, है क्या, कौन सा ऑप्शन है, आगे बढ़ो सुनो क्वेश्चन, ये टेक्निक समझा क्या ट्रांसफर वाला, ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है, ये और भी क्वेश्चन में यूज होता है। क्वेश्चन टू, श्रेयस प्लीज डू द ऑनर्स, अच्छा अच्छा फोटो निकाला, ठीक है ना, अच्छे से एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर वीडियो में जाके देखना पड़ेगा, सो शुड आई इरेज इट, और अगर फिर भी नहीं समझा सोनिया से कॉन्टेक्ट करने का, तुमने भी लिख दिया, वेरी गुड, शुड आई इरेज सोनिया, ये वाला ये इरेज कर दूं, चलेगा, चलो लेट्स गो अहेड देन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड ना, हाँ ठीक है, चलो ये सारे क्वेश्चन लोकस के, और हमने लोकस इतना डिटेल में किया नहीं था, ठीक है, चलो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इसे घर जाके खेलो ना, ये देखो मैं परेशान नहीं करूंगा तुमको, लेकिन इधर मेरे सामने बैठ के बात करो, जाओ उधर पीछे के बैठो, जाओ गो, अरे उठो जाओ उधर बैठो पीछे, प्लीज गेट अप फ्रॉम हियर, वीडियो चल रहा है भाई, बेइज्जती कर दूंगा जिंदगी भर रह जाएगा, ठीक है गो, हाँ just don't pump, ठीक है, you can keep on playing X's and Z's, ठीक है, खेलते रहो लेकिन बात नहीं करने का बिल्कुल, ठीक है, शेयर भी करते रहो बीच में, मैं जीत गया लेकिन चुपचाप, ठीक है, next question, question 3 right, हाँ, A का वोल्टेज कितना है, 2, और B का कितना है, so ऐसे random जगह पे ले रहा हूँ मैं, ठीक है, A has coordinates 2, minus 3 and B has coordinates minus 2, 1. Is the centroid of this triangle, centroid of the triangle moves on what line? तो देखो मैंने अगर ऐसा बना दिया C, ठीक है, इसका centroid किसी एक लाइन पे मूव कर रहा है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y equal to 1, ये सेंट्रोइड है G, समझा, तो वो बोल रहा है देखो अगर सेंट्रोइड तुमने निकाल लिया जो भी कुछ है, ठीक है, पॉइंट C का पोजीशन फॉर वन पर्टिकुलर सेंट्रोइड विल बी फिक्स्ड, G चेंज हो गया C भी चेंज हो जाएगा, समझा, अब वो किस पे चेंज होगा पता नहीं, लाइन पे होगा या कर्व पे होगा, बट लुकिंग एट ऑप्शंस यू कैन वेरी इजीली रिकॉग्नाइज ना, लाइन पे ही होगा, मतलब इधर जो ऐसा कोई और एक लाइन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन जिसका लोकस मुझे ढूंढना है, इस क्वेश्चन नंबर 3 राइट, समझा रहे, क्वेश्चन समझ जा रहा है, तो मुझे बताओ पॉइंट जी ये फिक्स पॉइंट है कि वेरिएबल पॉइंट, वेरी गुड वेरिएबल पॉइंट है, बट मुझे पता है ना किधर वेरी कर रहा है, किधर वेरी कर रहा है, ये नोन वाला पॉइंट है, गेटिंग इट, नोन वेरिएबल, बात समझ में आ रहा है क्या, This point G is a known variable. ठीक है, तुमको किसका इक्वेशन निकालना है, C का, C किस पे वेरी कर रहा है, G पे कैसे वेरी करेगा, अरे G को सेंट्रोइड है, C एक दूसरे लाइन पे वेरी कर रहा है ना, अब मुझे नहीं पता लाइन था कि क्या था, आई डोंट नो व्हाट इट इज, वो तो ऑप्शन देख के मैं बोल रहा हूँ, इनिशियली मुझे अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिया होता तो तुमको पता चलता क्या C किधर वेरी कर रहा है, लेकिन वेरी कर रहा है, सी अपना जगह बदल रहा है कि नहीं, जी बदलेगा तो सी पक्का बदलेगा ना,
अगर मैंने सेंट्रोइड तुमको बोल दिया 0.0 है उस वक्त का जो पॉइंट सी रहेगा, और सेंट्रोइड मैंने बोल दिया 3.3 है उस वक्त का जो पॉइंट सी आएगा, एक ही जगह पे है क्या? समझा? तो पॉइंट सी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? यस सर। अब वो चेंज कर रहा है तो लाइन पे चेंज कर रहा है या फिर किसी सर्कल पे चेंज कर रहा है या किसी रैंडम कर्व पे चेंज कर रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ऑप्शन देख के मैं बोल रहा हूँ कि लाइन पे चेंज करेगा, बट इनिशियल आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट सी इज अ वेरिएबल पॉइंट, राइट? किस पे वेरी कर रहा है मुझे नहीं पता, सो इज इट एन अननोन वेरिएबल? समझा क्या? मैं ऐसे दो पार्ट में उसको ब्रेक कर देता हूं, नोन वेरिएबल अननोन वेरिएबल। आर यू इंटरेस्टेड इन द लोकस ऑफ सी? किसका लोकस पूछ रहा है वो, पढ़ के देखो। लोकस ऑफ व्हाट? सी का लोकस पूछ रहा है, मतलब सी किस पे लाइन पे वेरी कर रहा है, कर्व पे वेरी कर रहा है, किस पे वेरी कर रहा है, उसका इक्वेशन ढूंढ के बताओ। व्हाट इज लोकस ऑफ सी? आर यू गेटिंग? यस। फाइंड द लोकस ऑफ सी। ठीक है, तो लोकस किसका ढूंढना है? सी का। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए जाएंगे? एक्स कॉमा वाई। यू गॉट दिस? ठीक है, जी भले वेरिएबल पॉइंट है लेकिन पता है ना किधर वेरी कर रहा है, किधर वेरी कर रहा है? ये नॉन वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल का कोऑर्डिनेट्स हमेशा एच कॉमा के लिया जाता है, याद रहेगा क्या? दिस इज हाउ वी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस ऑन लोकस। द नॉन वेरिएबल विल ऑलवेज बी टेकन एज एच कॉमा के, एंड द अननोन वेरिएबल विल ऑलवेज बी टेकन एज एच कॉमा वाई। नाउ आई वांट टू जस्ट फॉर्म अ रिलेशन, दैट्स इट, सिर्फ रिलेशन बनाने का। अब मुझे बताओ ए बी सी आर दे द वर्टाइसेस? Yes. Is G the centroid? Yes. Can I use centroid formula? Yes. Centroid formula सबको पता है क्या? Yes. X coordinate of the centroid कौन है? X. Is equal to x one plus x two plus so x plus two minus two upon three. X ये two two cancel ना, तो x is equal to क्या आया? X is x upon, सबको समझा क्या? चलो दूसरा बताओ। हाँ हाँ बोलते रहो। k इक्वल टू व्हाट? y माइनस 3 अपॉन 3। सो k का वैल्यू कितना आएगा? y माइनस 2 अपॉन 3। सेकेंड इक्वेशन, आर यू गेटिंग? व्हाट इज द सेंट्रोइड लाइंग ऑन दिस लाइन? व्हाट शुड इट डू टू द इक्वेशन? उठा के इसमें डाल दो। समझा क्या? जी विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, जी सैटिस्फाई द इक्वेशन। तो क्या आएगा बताओ? कम ऑन, अरे ये लो कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा, भाई मेरे को नहीं मालूम क्या कोऑर्डिनेट्स है लेकिन एक्स कॉमा के है ना, लेकिन डालो ना उसमें कितना मुश्किल है। टू एच प्लस इज इक्वल टू, कुछ समझा क्या? एच और के का वैल्यूज है क्या? ये लो, ये इसमें एच डाल दो और ये के डाल, आर यू गेटिंग? सो आई गेट व्हाट? 2 times of x by 3, very good, plus 3 times of y minus 2 upon 3 is equal to 1. Can I multiply thorn by 3? Yes. See, इधर काटने से अच्छा सबको 3 से multiply करो, 3 cancel, तो क्या बचा? 2x. 3 और 3 cancel, समझा क्या? अब भी 3 बचा है ये वाला, so you get what? Plus 3y minus 6, multiply by 3, so what is your answer? 2x plus 3y is equal to 9. है क्या? समझा क्या सबको? ऑप्शन सी इज द आंसर। पीपल डिड यू अंडरस्टूड हाउ द क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द आंसर फॉर लोकस? नोन पॉइंट जो रहेगा उसका x कॉमा k, और नोन पॉइंट जो रहेगा x कॉमा y, गेट द रिलेशन बिटवीन h k एंड x y जो द लाया मैंने। ठीक है, एच के और एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन लाया ना यहाँ पे, और एच के का आपस में क्या रिलेशन है वो जो यहाँ पे। आई एम जस्ट रिप्लेस, आई यू अंडरस्टूड? चलो श्रेयस, सबको समझा है क्वेश्चन? रुको रुको श्रेयस रुको, ये निकाल दूं क्या मैं अभी? ठीक है, नहीं तो फिर क्या ना अपने पास बहुत इंटेलिजेंट हो गए ना, ऐसे ऐसा करेंगे क्या मस्त है है ना, इधर से आगे 6 रूट ऑफ एक्स का प्रोसेस है, पूरा जिंदगी काट लेगा, अरे कैसे हुआ ये। चलो नाउ यू टेक द फोटो, सो क्वेश्चन 3 इज डन, नाउ वी गो टू व्हाट?
क्वेश्चन फोर, ये बाकी का फोटोज आपने से डिलीट करा वरना सब डाल देगा तू। अभी तूने इसके पहले भी फोटो लिया ना इस क्वेश्चन का, नहीं लिया था ना? वेरी गुड। चलो शुड आई इरेज दिस नाउ, जो लोग लिख रहे उनका हो गया क्या लिख के? हाँ वेरी गुड। ऐसे फिर पहले क्यों नहीं हो रहा था? हाँ वेरी गुड, समझ भी रहा है कि नहीं? लेकिन हमारा पता नहीं सिर्फ लिख ही रहे हो सर, सीधे क्या है? अरे देखो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, ये लो, ये तुम ना घर जाके करना तुम आज, ठीक है? दो पॉइंट ले लेना, कोऑर्डिनेट्स क्या उसका, 2-3 और -2 और 1। अच्छा 2-3 किधर आएगा? हाँ ये लो 1-2-3 1-2-3 इधर है क्या? फिर -2-1 किधर आएगा? यहाँ पे, समझा क्या? ये पॉइंट बी है -2-1, ये पॉइंट ए है 2-3। तो ये तुम्हें जोड़ दिया ए बी को, अब इसका सेंट्रोइड बोल रहे हैं वो कौन से लाइन के ऊपर है? 2x+3y=1, वो यहाँ पे कहीं पेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लाइन आएगा 2x+3y=1, ठीक है? 1/2, 1/3 ना उसका इंटरसेप्ट, 1/2 वाला इधर किधर, तो 1/3 यहाँ पे कहीं पे, तो समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा लाइन है, ये कौन सा लाइन है? हाँ, अब इसके ऊपर सेंट्रोइड मैंने यहाँ पे ले लिया, तो अगर ये सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड कैसे बनता है पता है ना? मीडियन ड्रॉ करना पड़ता है, तो पॉइंट सी इधर किधर रहेगा क्या ऐसा? अब सेंट्रोइड तुम इधर ले लो, अब क्या होगा? अरे पॉइंट सी किधर आएगा? ऐसा किधर तो आएगा क्या? अभी और कहीं और ले लोगे तो कहीं और आ जाएगा, तो ये सब पॉइंट्स का जब जोड़ दोगे तो क्या बनेगा बता रही है? वो हमको मिला रहा है, लोकस बनेगा, समझा? उस लोकस का इक्वेशन क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है? चलो पीपल रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन व्हाट? 4। सो y² = 8x क्या रहता है? पैराबोला, y² = 8x से पैराबोला, वो ऐसा दिखता है, ठीक है? देख लो P और Q कैसे पॉइंट्स है? P इज व्हाट पॉइंट? फिक्स पॉइंट, ये अपना जगह चेंज नहीं करेगा, कौन से एक्सिस के ऊपर है? सो आई टेक दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, ये लो ये बना दिया 1, 0, समझा? और Q किधर है बोल रहे? ऑन अ लोकस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस? सो आई जस्ट ड्रॉ पैराबोला हियर, तुमको जो मर्जी बना दो, जब तुम एक्चुअल एग्जाम देने जाएगा तब तक तो मतलब क्या बोले उसको, एकदम परिपक्व रहेगा तुम, सब पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लिया रहेगा, तब तुमको पता रहेगा कि भाई y² = 8x किसका इक्वेशन है, जो ऐसा दिखता है ये वाला पैराबोला रहेगा, ठीक है? सो दिस y² = 8x, तो पॉइंट क्यू किधर है? तो इज इट अ नोन वेरिएबल? नोन का मतलब समझा क्या? नोन वेरिएबल मतलब मुझे पता है वो कौन से कर्व के ऊपर है, तो ये पॉइंट क्यों ले लिया मैंने सपोज, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या लिया जाएगा? कितना आसान देखा ना, अब ये पॉइंट h, k जो क्यू है वो इस कर्व के ऊपर लाइक कर रहा है, तो इस कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा? सो डू आई गेट k² = 8x पहला इक्वेशन, आर गेटिंग k² = 8x, k और h का रिलेशन, h और k का मैंने रिलेशन बना दिया, सबको समझा? अब और आगे जाएंगे, किसका लोकस पूछ रहा है? तो ये लो पी क्यू को जोड़ दो, इसका मिड पॉइंट किसको ले लेंगे? इसका लोकस ढूंढना है ना, तो आर का कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे? वेरी गुड, बट हु इज पॉइंट आर? मिड पॉइंट किसका? पी क्यू का, तो कैन यू यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर व्हिच इज एक्स is equal to, very good, h+1/2, that means do I get 2x is equal to h+1? अरे समझा, h is equal to what? 2x-1, people have you understood? दूसरा बोलो, हाँ बोलते रहो, y is equal to, very good, k/2, so यहाँ से k का value क्या होगा? समझा ना रे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या करें?
ये वाले इक्वेशन में डालेंगे बराबर ना, एच की जगह पे और के की जगह पे, गेटिंग? सो बताओ हमारा स्पीक अप वेरी बिगली, 4y स्क्वायर वेरी गुड इज इक्वल टू 8 इनटू 2x माइनस 1, सो 4 एंड 8 कैंसिल, 4 एंड 8 कैंसिल, y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4x माइनस 4 ना, 2 ओके सॉरी 2, समझा सबको है क्या, y स्क्वायर माइनस इधर है 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 2 नहीं माइनस 4x प्लस 2 होना चाहिए, ऑप्शन ए तो नहीं है पक्का, ठीक है बी भी नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो बचे मेरे पास दो ही ऑप्शन एक सी और एक डी, दोनों सेम है ऑप्शन, देखिए 4y है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, और फिर क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं भी गलती है, कहीं भी गलती है क्या, वाई स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 2, ठीक है आई जस्ट चेक द क्वेश्चन, लेकिन समझ में आएगा क्वेश्चन, अरे अभी तुरंत भेजने का जरूरत नहीं था रे श्रेयस ने, लिए आराम से ले सकते हैं तुम, अरे क्यों भूलेगा, ठीक है चलो, सो पीपल दिस व्हाट माय आंसर इज, वी कैन चेक इट लेटर, ठीक है विल आपको अपलोड इट फर्दर, चेक करने के चक्कर में बहुत टाइम निकल जाएगा, एक ही क्वेश्चन बचा है क्या, क्यूज वाला 6 7 हो गया है, और थोड़ा जस्ट स्कोर इट अप, अच्छा 5 बचा है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 बचा है और 9 बचा है, बराबर ना, हाँ हाँ ठीक है चलो, सो दिस डन राइट, व्हाट वाज दिस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ले लिया फोटो, में रुक जाए एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ चलो हो गया, क्या 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 बोल रहे, ठीक से बोल रहे, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो, क्या करो फिल्टर फिल्टर चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट डू वी हैव, फिफ्थ राइट, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट बोला है ना, ऑफ द पोर्शन दैट इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस ऑफ अ वेरिएबल लाइन, देखो यहां पे क्वेश्चन 5, आर यू ऑल पेइंग अटेंशन, वी हैव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी ओरिजिन, इज दिस द इंटरसेप्टेड पार्ट पीपल, इज दिस द इंटरसेप्टेड पार्ट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, किधर है कौन सा क्वेश्चन, हाँ वो एक्स छूट गया है, जल्दी से ठीक है, सो यू हैव एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है सो कैन यू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या वाई कितना डालेंगे, अरे भाई मिड पॉइंट चाहिए कि नहीं, किसका मिड पॉइंट चाहिए, ए बी का, अच्छा ए बी फिक्स लाइन है क्या, क्या हाँ अल्फा बदलेगा ए बी बदल गया पूरा का पूरा, बराबर ना, अरे अल्फा का वैल्यू 0 से लेके 360 के बीच में कुछ भी ले सकता होगा, बराबर 0 लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, x इक्वल टू p, अल्फा 0 डिग्री बोला ना मैंने, तो cos 0 इज 1 sin 0 इज 0, तो x इक्वल टू p हो गया ना, अब ऐसा सीधा सीधा लाइन बन जाएगा, फिर ऐसे करते 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 तुम बहुत सारे लाइन जो बना दोगे उन सभी लाइंस का जो इंटरसेप्टेड पार्ट आएगा उसका मिड पॉइंट जमा करेंगे तो क्या लोकस बनता है, ये क्वेश्चन है, अभी जैसे मैंने यहां पे लाइन दिखा के रखा है, कैन आई ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस, कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस, इन सबका मिड पॉइंट जमा करेंगे तो कुछ बनेगा ना, वो लोकस का इक्वेशन पूछ रहा है, समझा क्या, ठीक है तो
मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। अब मिड पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है क्या? हाँ, नहीं। हाँ। विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज इट अ वेरिएबल पॉइंट? नहीं है। इस पोजीशन में इसका मिड पॉइंट एक जगह पे है, लेकिन ये खुद ही एक जगह पे नहीं है ना। ये भी अपने एक जगह पे है क्या? ये भी बदल रहा है, तो मिड पॉइंट भी बदलता रहेगा। समझ में आया? और उसी का लोकस निकालना है ना। तो जिसका लोकस निकालना है उसका कोऑर्डिनेट्स x, y। बट ये पॉइंट सी है कौन? मिड पॉइंट है किसका? तो ए और बी का पॉइंट कैसे ढूंढ के लाऊं? तो मेरा काम हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ए और बी का कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढना पड़ेगा? तो ए का मुझे ये पता है y कोऑर्डिनेट कितना है, तो इसमें डाल लो y की जगह पे जीरो। y जीरो डाल दो, x कितना मिलेगा? अरे x चाहिए ना। नींद में चला गया क्या लोग? x का वैल्यू क्या आएगा? p अपॉन cos अल्फा। अच्छा पॉइंट b का कौन सा कोऑर्डिनेट पता है? अरे लिख दिया मैंने जीरो x कोऑर्डिनेट। तो x के जगह पे क्या डालेंगे? सो p अपॉन sin अल्फा इज व्हाट यू गेट। आर यू गेटिंग दिस? तो अब मुझे बताओ पॉइंट c का x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? P sin alpha plus P cos alpha plus zero। तुम अगर x कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हो इधर की तरफ भूल जाओगी। x और x लेंगे ना, समझे ना सबको? P upon cos alpha plus zero divided by two। और can I say this implies x is equal to P upon two cos alpha, बराबर है? और can I say cos alpha is P upon two x? चलेगा। अब y कोऑर्डिनेट के बारे में बताओ। चलो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c? हाँ तो जीरो प्लस हो जाएगा ना, जीरो प्लस p अपॉन साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय। सो डू आई गेट दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू p अपॉन टू साइन अल्फा। देयरफॉर व्हाट इज साइन अल्फा? p अपॉन But what is cos square alpha plus sin square alpha? One. What is the value of cos alpha? Square. Four. X square. What is sin square alpha? P square upon four is equal to. करके देखो match. One upon x square plus one upon y square is equal to. ऊपर कौन जाएगा? समझा ना? फोर पर जाएगा और पी भी ऊपर जाएगा। फोर अपॉन पी स्क्वायर। लुक एट दिस क्वेश्चन, सबको समझा? क्वेश्चन फाइव। हाँ चलो श्रेयस। सिक्स्थ इज डन, सेवेंथ इज डन, राइट? एट एंड नाइन टू क्वेश्चन लेफ्ट। वेरी गुड, लेवल थ्री खत्म ना। सी अमेजिंग पीपल, लेवल थ्री इज डन। अरे तो तुमको कितना मतलब 10 मिनट में करना है? लेवल थ्री कर रहे हो तुम? लेवल थ्री सोचो क्या हाइपर लेवल का रहता है। तो सबको सभी पूछेंगे ना, ये भी पूछेंगे। डन पीपल, सुने को आए टाइम चलो नेक्स्ट पीपल। श्रेयस रुक ही नहीं रहा है, मतलब मैसेज में मैसेज डाले जा रहे हो। नेक्स्ट इज व्हाट? एट क्वेश्चन। चलो इजी क्वेश्चन, ठीक है? मीडियंस ए डी एंड बी ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस A, B and C are perpendicular to each other. Medians कैसा बोल रहे हैं वो? Perpendicular. अगर medians perpendicular है, product of their slopes will become equal to how much? समझा क्या? Medians का slopes का product कितना आना चाहिए? तो पहले तो मैं triangle बना लेता हूँ, ठीक है? बताओ point A किधर है? Where is point A? हाँ, 0, B है, but where? What is the location? Y axis. ये point B ले लिया मैंने. B ना कि A? A. This point is A. इसका coordinates है 0, B.
फिर आगे कौन है? ओरिजिन. दिस इज पॉइंट बी. ए हु इज टॉकिंग इन द क्लास? 0.0. देन नेक्स्ट पॉइंट इज सी, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? 1.0. अब अगर मैंने ये ट्राइंगल ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दिस ट्राइंगल एबीसी, समझा? कौन से मीडियम के बारे में बात कर रहा है वो? व्हाट टू मीडियम्स? एडी. तो एडी और कौन सा? बीई. तो ये लो एडी बना दिया मैंने. कैन यू गेट मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी वेरी क्विकली? वेरी गुड. सभी लोगों को समझा? मिड पॉइंट है ना डी, तो ए बाई टू कॉमा जीरो. ठीक है, फिर दूसरा कौन सा मीडियम जोड़ने के लिए बोल रहे हैं? बी वाला. ई किसका मिड पॉइंट है? वेरी गुड. ए अपॉन टू एंड बी अपॉन टू. अरे सबको समझा क्या? कैन यू गेट मी स्लोप ऑफ ए डी? ए डी का स्लोप निकालो. y2 minus y1, 0 minus b upon x2 minus x1, a upon 2 minus 0. समझ में आया? So will the slope become minus 2b upon a? Yes. AD का slope ना? What about slope of b? Come on. b by 2. Upon a by 2. Minus b by 2 upon a by 2. सब करने के बाद इतना ही बचेगा. समझाया जब तक? मैंने दोनों का स्लोप निकाल लिया. अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द क्वेश्चन? दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? माइनस वन. इज़न इट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू लाइंस, द स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस, द प्रोडक्ट शुड बिकम इक्वल टू माइनस वन. मतलब ऐसे बोलू क्या? माइनस ऑफ टू बी अपॉन ए multiplied with minus of b upon a, should it become equal to minus 1? समझा? ठीक है. So does it become बराबर है ना सब कुछ? हाँ. So what do I get? B square. हाँ, 2b square upon a square should become equal to. हाँ बोल. कुछ गलती हो गया क्या? किधर किधर? हाँ, sorry, not minus है. My mistake. थैंक यू रवि शिंदे. इधर गया. हाँ, सो विल द माइनस माइनस कैंसिल. सो टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? वन. सो टू बी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू ए स्क्वायर. इफ यू टेक स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, विल गेट प्लस माइनस रूट टू बी इज इक्वल टू ए. कौन सा ऑप्शन है? बोथ ए एंड डी. सभी लोगों को समझ में आया? बीच में इक्वल टू साइन छूट गया. ठीक है ना? Have you understood? चलो, कौन सा क्वेश्चन था ये? Eight. Very good. And last question. And we're done. Finished? Yes. Again. चलो, ninth question कर लेंगे जल्दी से. Last question. अच्छा. लेवल तू सिखाएगा? फटाफट. ठीक है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन एक्स में टू है. क्या बोला है क्या? हाँ, क्या क्या करें बोलो, कुछ करेगा नहीं. क्या कर सकते सर? सर करो. मैं तो कर ही रहा था. तुमने भी किया अभी अंडर से आ गया अभी. क्या देखो? हाँ बिल्कुल नहीं. हमने सुना मेरी कैसी कर रही है क्या काम है सब कर रही है. क्वेश्चन नाइन पीपल. ठीक है, व्हाट डू वी हैव? लोकस ऑफ क्या बोला है? मिड पॉइंट. ठीक है, तो आपने को मिड पॉइंट पता करना है. लेकिन मिड पॉइंट किसका? परपेंडिकुलर्स व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम वेयर? पॉइंट्स ऑन द लाइन एक्स इक्वल टू वाई. यहां से बनाया है, समझा ना?
अब x equal to 2y का जो लाइन है पहले वो पता कर लेते किधर आता है, ये x एक्सिस है क्या 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 अरे पासिंग टू ओरिजिन रे y equal to fx ना, कैन आई से दिस इज y equal to half x तो x का जो 2 रहेगा तो y कितना हो जाएगा 1 तो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1 x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2 तो लाइन किधर समझ में आ रहा है क्या कुछ इस तरह से बराबर दिस योर लाइन x इक्वल टू 2y तो यहां से बनाने का परपेंडिकुलर हर पॉइंट से बन सकते हैं परपेंडिकुलर पता है ना लेकिन किस पर बना है परपेंडिकुलर x इक्वल टू y ये लाइन किधर आएगा x इक्वल टू y का लाइन अगेन पासिंग टू ओरिजिन ना अरे बात y को fx ना m1 है ना 45 डिग्रीज का लाइन है कि नहीं है इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज सो I'll just make that line. This is the line. कौन सा line है ये? X equal to y बोलो, y equal to x बोलो. समझ में आ रहा है क्या? ये origin है. Suppose तुमने ये वाला point लिया. Can you draw perpendicular? Yes. इस line से उस line पे जाना है मालूम है ना? Perpendicular कहाँ से कहाँ पे बन रहा है पता चल रहा है कि नहीं? X equal to 2y वाले line का point. Perpendicular are drawn from points on the line x equal to 2y. x equal to 2y वाले लाइन से कौन से लाइन पे भेज रहा है x equal to y वाले लाइन समझा so I just draw perpendicular are you getting this can I draw some more perpendiculars like this ऐसा बहुत सारा perpendicular बन सकते हैं मालूम है ना हर एक पॉइंट से एक perpendicular बना सकता है अब लोकस किसका पूछ रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ दिस perpendiculars बराबर ठीक है तो सपोज ये मिड पॉइंट ले गया मैं इसका लोकस चाहिए ना तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या लिया जाएगा x कॉमा y आर यू गेटिंग दिस ठीक है सो द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन व्हिच इज x इक्वल टू 2y कैन यू टेक द अच्छा ये 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 पॉइंट नोन वेरिएबल पॉइंट है क्या पता है किधर घूम रहा है yes, समझा कुछ कोऑर्डिनेट्स ले सकता हूं मैं उसका वेरी गुड आई कैन टेक द कोऑर्डिनेट्स व्हाट h कॉमा k तो तुमने बोला कि ये कौन सा इक्वेशन ये पॉइंट कौन से इक्वेशन को बिलोंग करता है x इक्वल टू सपोज तुमने बोला कि y कोऑर्डिनेट इज k तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट 2k तो h कॉमा k बोलने का जरूरत है क्या y कोऑर्डिनेट कितना ले रहा हूं मैं K. तुमको जो मर्जी है तुम ले लो जनरली हम लोग क्या लेते हैं एच कॉमा के इसीलिए तुम वाई कोऑर्डिनेट के ले रहे हैं तुमको ए लेना है बी लेना है जो तुम्हारा मर्जी है तुम ले लो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ ठीक है सो व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट पीपल डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस इंस्टेड ऑफ एच कॉमा के वाई इट इज 2k कॉमा के ठीक है अब इस पॉइंट के पास आ जाओ ठीक है अब उसका कोऑर्डिनेट्स के नहीं होगा ना एच कॉमा एच वेरी गुड रोहित सिंधिया हैज आइडेंटिफाइड चलो एच कॉमा एच ले लिया ये सभी लोगों को समझ में आया मैंने एक्स कोऑर्डिनेट एच ले लिया ये कौन सा लाइन है तो अगर मैंने एक कोऑर्डिनेट एच ले लिया तो दूसरा भी क्या आएगा एच ही आएगा सभी लोगों को समझा क्या तो मुझे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आएगा वेरी गुड लाइक एच प्लस टू के अपॉन टू ये x कोऑर्डिनेट है बराबर ना एंड y कोऑर्डिनेट क्या आएगा h प्लस k अपॉन टू हैव यू ऑल अंडरस्टूड सभी लोगों को यहां तक सब कुछ सब समझ में आ रहा है क्या अब मुझे बताओ ये जो y इक्वल टू x है इसका स्लोप क्या है वेरी गुड इसका स्लोप वन है तो ये सारे लाइन का स्लोप क्या है माइनस वन ये वाले लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस वन सभी लोगों को समझा ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है सो फार वेल अंडरस्टूड पीपल ठीक है तो अब मिड पॉइंट हो गया मेरा ठीक है स्लोप भी बोल दिया मैंने इसका वन है तो इसका माइनस हो जाएगा व्हाट एल्स कैन वी डू ओके लेट्स गेट द रिलेशन बिटवीन h एंड k ठीक है h और k के बीच में रिलेशन लिखा है सो आई डोंट नो स्लोप निकाल सकता है क्या मैं यहां से Can I do y2 minus y1 upon x2 minus x1? Yes. So do I get k minus h upon 2k minus h? How much is the slope? Minus 1.
Can I cross multiply? I get k minus h is equal to what? What do I get? Minus 2k plus h. 2k इधर लिख जाओ. 3k हो जाएगा क्या? अरे इधर आया. Plus 2k plus k. 3k. You get? 3k is equal to 2h. सबको समझा? 3k is equal to 2h. Have you understood? K और h के बीच में relation मिल गया. What is x is equal to? X का वैल्यू क्या है? So you like h plus k plus k whole divided by 2? H plus 2 क्या था ना? H plus k whole upon 2. Upon 2 upon 2. चलेगा? What is h plus k upon 2? Y. So do I get x is equal to y plus k upon 2? Are you getting? So अब और क्या कर सकते हैं हम लोग? y plus नहीं अभी k का कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा ना सर. ये y is equal to h plus k by 2 से k हाँ. को x y एलिमिनेट करना है, बाकी कुछ नहीं. देखो यू हैव टू जस्ट एलिमिनेट नाउ. इक्वेशन आर 2x minus 3y सो ऑन. ऑफ कोर्स इट्स अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है देखो देखो कुछ सोचो और देखो. यू गेट 2x plus 2y plus k. 2x right 2x is equal to 2y plus k. Anything else that you can think of people? उनके बीच का एंगल निकल. किसका एंगल? एंगल एंगल नहीं निकलेगा. एंगल निकाल के कैसे? एंगल कितना मुश्किल है. स्लोप दोनों का पता है. स्लोप निकाला ना मैंने. दोनों का पता है. Wait a minute. 3k का वैल्यू इज 2x. सो x इक्वल टू k बी 2h h plus 2k अपॉन 2. सो 2x इज इक्वल टू h plus 2k एंड 2y इज इक्वल टू h plus k. अगर मैंने ऐड कर दिया तो गेट 2x plus 2y इज इक्वल टू 2h plus 3k. 3k इज नथिंग बट 2h. So, 3k तो वैल्यू डाल दूंगा मैं 2h और 2h का भी 3k हो जाएगा. ये 6k हो गया. 2x plus 2y is equal to 6k और I can write x plus y is equal to 3k. तो k का वैल्यू मुझे पता चल गया x plus y. हाँ ठीक है ऐसे कर सकता हूँ मैं. And then I can replace k from there. Can we do something easier than this? देखो basically h और k को eliminate करना है. समझा रहा? क्वेश्चन हो गया मेरा. ये इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा और आंसर मिल जाएगा मुझको. ठीक है करके भी बता देता हूं. चलो देखो 2x इक्वल टू व्हाट? 2y प्लस k की जगह पे क्या आएगा? x प्लस y अपॉन 3. x प्लस y होल अपॉन 3. सो अगर 6x इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू प्लस x प्लस y. x को उधर भेजा तो 5x बन गया इक्वल टू 7y. देखो है उसमें ऑप्शन 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 दिखा. आंसर आ गया. लेकिन ये बहुत ज्यादा सही तरीका नहीं है. तरीका सही है लेकिन बहुत से घूम फिर के आया ना. कुछ और इजी वाला करके देखिए. लेट्स ट्राई समथिंग इजीियर. आई वांट टू एलिमिनेट h एंड k. ठीक है सो आई हैव 3k इज इक्वल टू 2h. ओके आई जस्ट राइट हियर. x का वैल्यू कितना है? h प्लस 2k अपॉन 2. So I get 2x is equal to h plus 2k, brother. And what is y is equal to? H plus k upon 2. So I get 2y is equal to h plus k. सबको समझा क्या? ठीक है. So if I subtract the two equations, what do I get? Subtract कर देंगे क्या हो जाएगा? 2x minus 2y is equal to k आ जाएगा. 2x minus 2y is equal to k. ठीक है और अगर ऐड कर देंगे तो 2x ऐड कर देंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट? 2h प्लस 3k. बट व्हाट इज 2h? 3k. सो कैन आई हाँ 6k. दैट मींस कैन आई से x प्लस y इज इक्वल टू 3k. समझ में आ रहा है?
अब के का मैं उठा के इसमें से डाल दूं। अरे वाह इजी था। थ्री टाइम्स आ तो सोचना पड़ता है ना उनको ऐसे मतलब कोई क्वेश्चन आया दिस इज 2x माइनस 2y दिस इज 6x माइनस 6y दिस x प्लस y पीपल सो व्हाट यू गेट 7y इज इक्वल टू 5x और कैन आई 5x माइनस 7 इज 0 समझा क्या क्वेश्चन अभी ठीक है ना वेरी गुड क्वेश्चन ओह दैट कंप्लीट्स योर लेवल 3 खत्म लेवल 3 समझा हां क्या खाली बजा रहे तुमको विष्णु श्रेयस हो गया होमवर्क करके क्वेश्चन 9 हां क्वेश्चन 9 रुको रुक जाओ क्वेश्चन 9 आप कैलकुलेट कर लो ठीक है ग्रुप में भेज दिया क्या तुमने नहीं ना हां क्वेश्चन 9 ओके सो लेवल 1 व्हाट नो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो इसको स्टॉप कर दो तो मुझे लगता है कि आधे घंटे में हो जाएगा ये करेंगे मतलब कैसे तुम जब नए साल में जाओगे तो नए टॉपिक के साथ जाओगे ना स्ट्रेट लाइन मेक्स व्हाट एंगल 135 विद व्हाट And cuts y-axis at a distance of how much? Minus 5. अरे इससे आसान क्वेश्चन क्या बनाएगा कोई? ये x-axis, ये y-axis. समझा? ठीक है. इधर मत लो x-axis. ऐसा ले. अब ऐसा क्यों लिया पता चलेगा देखो. 135 degrees बोला ना? तो line ऐसा आएगा कि नहीं? ऐसा क्यों आया? Angle क्या कैसे गिनते हैं हम लोग पता है ना? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द और वाई एक्सिस को कहां पे काटना चाहिए इज दिस द वाई इंटरसेप्ट पीपल इज इट माइनस 5 तो सी का वैल्यू कितना दिया और स्लोप कैसे निकलता है एल इक्वल टू व्हाट टैन थीटा तो थीटा दिया है क्या रे सबको 135 डिग्री तो एम इज इक्वल टू वेरी गुड प्रवीण शिंदे स्लोप इज हाउ मच स्लोप मिल गया इंटरसेप्ट है क्या इक्वेशन रहता है y इक्वल टू mx प्लस c m का वैल्यू माइनस 1 डाल दो c का वैल्यू माइनस 5 इससे कोई और आसान क्वेश्चन बना सकता है क्या नहीं अगला क्वेश्चन ये कौन नहीं करेगा इक्वेशन ऑफ 9 जॉइनिंग व्हाट ओरिजिन एंड 2.4 अगला क्वेश्चन ए रुको ना 25 ठीक है मेरा हाथ तुम नीचे नीचे जा रहे हो 25 स्टेटमेंट पासिंग टू व्हाट 2.5 अगला क्वेश्चन सो ए का कौन दिया है बी का दिया है कैन यू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी कैन यू फाइंड स्लोप ऑफ ए बी अब देखो स्लोप ऑफ एबी है तुम्हारे पास मिड पॉइंट भी है ना ये का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर एबी का स्लोप 3 है तो ये लाइन का और मिड पॉइंट भी है ना तुम्हारे पास स्लोप पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन यूज करके आंसर निकल जाए कर लेगा ना यस सर अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान है तुम ये तो मैंने सिखाया है तुम लोगों को क्या आंसर है बताओ आग बंद करके बता सकता है A1 A2 plus B1 B2 should become equal to what? Zero. लेकिन ध्यान से the lines this one and this one are both perpendicular ना? इसका slope बताओ? Minus A1 upon B1. इसका बताओ? Minus A1 upon B1. Multiply करेंगे तो answer कितना आना चाहिए? Minus 1. So it's like A1 A2 ये उधर जाएगा ना? Minus B1 B2 बराबर? इधर भेजेंगे तो प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 शुड बिकम इक्वल टू ठीक है इसमें कुछ गलत हो गया पता नहीं इधर माइनस 1 हां इधर माइनस 1 है ना माइनस 1 तो मैंने जो माइनस है लिखा है ना ये दोनों माइनस प्लस प्लस समझा रहे यस सर कुछ ऑप्शन में मिस्टेक हुआ होगा लेकिन हमने ये किया हुआ ठीक है रुक जाओ
नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन पासिंग थ्रू व्हाट? कितना एंगल? स्लोप निकालना है और फिर टैन इनवर्स कर लेना है, हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस। ये एक्सिस है क्या? इज इट इक्वली इंक्लाइंड? इट इज इक्वली इंक्लाइंड। और सोचो, दो ही लाइन हो गया। अगला क्वेश्चन, लोकस ऑफ द पॉइंट बोला है ना, इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल से थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन 20, रुको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 20, अच्छा ऊपर आओ, सेम क्वेश्चन है 19 और ये सारे सेम क्वेश्चन है, एक करूंगा सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 18, 17, हाँ रुको रुको रुको, ये क्या है? व्हाट द आंसर? हाँ अब देखो आंसर बोले तो सब चुप गए, अरे क्या निकालना पड़ेगा? लोकस ऑफ अ पॉइंट हैविंग ऑर्डिनेट, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट? वाई इज व्हाट? अरे क्या है ये? अरे आंसर अभी भी नहीं पता चला है, लोग अभी देख रहे हैं। अरे खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, पता चला क्या? हाँ अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अरे रुको रुको, किधर है? कौन सा क्वेश्चन है? 15, हाँ। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। मुश्किल नहीं है, देखो लाइन किसको पैरेलल है ढूंढो, इसमें कौन सा 4x माइनस 3y वाला इक्वेशन है? समझा क्या? सी और डी है ना, सी और डी इन्हीं में से आंसर है। और वो क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे? वन यूनिट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता है क्या ये इक्वेशन के लिए और ये इक्वेशन के लिए? आता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स के जगह पे क्या डलेगा? कहां से बना रहे हो परपेंडिकुलर? अरे कौन सा पॉइंट है वो? वन थोड़ी है वो, माइनस उधर थोड़ी है, ठीक है माइनस वन कॉमा। तो x के जगह पे क्या आएगा? y के जगह पे क्या आएगा? होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, तो माइनस का स्क्वायर करके प्लस ही आएगा, समझा क्या? अगर इसने आंसर 1 दे दिया, आंसर कितना आना चाहिए? ये तुमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा है, मालूम है ना? अगर इसने आंसर 1 दे दिया, देखो देता है क्या, 4 into कितना क्या तुमने माइनस हुआ है ना, ये माइनस 4 आएगा बराबर, प्लस 12 आएगा, आर यू गेटिंग? प्लस 3 आएगा, 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 4 11, नहीं आता है। बाजू में देखो सब कुछ सेम ही है, सिर्फ प्लस के जगह पे क्या कर दिया? व्हाट इज माइनस 4 एंड माइनस 3? माइनस 7 प्लस 12 5, 5 1 1 5, आंसर आया 1। कौन सा ऑप्शन है? सब कुछ समझा क्या? हाँ ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? 14, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? इंटरसेप्ट कितना है उसका? तो पहला वाला जनरल एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा वाला वाई इंटरसेप्ट। सो व्हाट वुड द इक्वेशन ऑफ द लाइन टेल मी? एक्स अपॉन, चलो एक्स अपॉन क्या? अरे 3 कैसे? एक्स अपॉन 1/3 विच बिकम्स प्लस 4y मस्ट बी इक्वल टू 1। वेरी गुड, आ गया लाइन, ये है ना वो लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। कहां से बनाया परपेंडिकुलर? 0, 0 कह रहा है माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बनाया ना परपेंडिकुलर, इसका लेंथ पूछ रहा है। तो x के जगह पे क्या डलेगा? 0। y के जगह पे 0, तो बचा माइनस 1 ना, रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 5, हाँ टोटल आंसर 5, 3 स्क्वायर प्लस 4, अरे नहीं समझ में आया? तो आंसर कितना? 1/5। हैव यू अंडरस्टूड? ऑप्शन डी इज द आंसर, यू गॉट इट? 14 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड सच एन इजी क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ व्हाट? ऑफ द स्क्वायर formed by what lines? मुझे बताओ x equal to 0 कौन सा लाइन रहता है? Perpendicular to y axis ही रहता है ना, खुद खुद y axis का इक्वेशन है वो, x equal to 0, y equal to 0 किसका इक्वेशन?
तो ये हो गया x इक्वल टू जीरो, ये हो गया y इक्वल टू जीरो, फिर कौन सा लाइन बोल रहा है, ये है क्या, और ये कौन सा लाइन है, ये का ये पॉइंट का क्वाड्रेंट बोलो 1.1, ये पॉइंट का क्वाड्रेंट बोलो 0.1, ये पॉइंट का क्वाड्रेंट बोलो 0.1। अब किसका इक्वेशन पूछ रहा है, स्क्वायर का थोड़ी पूछ रहा है, क्या आएगा बोलो इसका इक्वेशन, x इक्वल टू y, वेरी गुड, बराबर ना। और ये वाले का निकालना रहेगा तो इंटरसेप्ट कितना है, इधर कितना है, तो x अपॉन प्लस y अपॉन इज इक्वल टू, ये कौन सा फॉर्म है मालूम है ना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट और वो 1 आ गया पता मेरे को, x प्लस y इक्वल टू 1 एंड दिस लाइन इज लाइक 0, 0, 1, 1, क्या रहता है ऐसा इक्वेशन, y इज इक्वल टू x, समझा सबको, नहीं याद वही टू पॉइंट फॉर्म ऐसा कुछ करके निकाल लो इक्वेशन, समझा क्या। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, कहां तक हुआ 13, ये भाई 12 क्वेश्चन आएगा क्या, एंगल पूछा है ना, एंगल कैसे निकलेगा, tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, तो दोनों लाइन का स्लोप चाहिए मेरे को, यहां पे लाइन का इक्वेशन दिया तो स्लोप मिलता है, कितना स्लोप है इसका माइनस 1/2, दो पॉइंट दिया क्या मुझको, कैन आई गेट स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप मिला दोनों का, और tan theta लगेगा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन हो गया, 11 बताओ, लाइन का y इंटरसेप्ट कितना दिया है, तो c दिया है ना, कैसे m ढूंढ के लाओ, हो जाए अपना काम, लाइन किस स्लोप परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप कितना है 3/2, तो अपने लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -2/3, स्लोप मिल गया, y इंटरसेप्ट है क्या मेरे पास, खत्म ना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ना, इसका स्लोप बोलो -2, तो जो लाइन का जो लाइन हमको ढूंढना है उसका स्लोप 1/2, समझा ना, स्लोप 1/2 हो गया, और वो लाइन कहां से पास हो रहा है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन मिल गया, कौन सा इंटरसेप्ट मांग रहा है, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0, हो गया ना। अगला देखो, चार ही क्वेश्चन बचे हैं, उसमें से एक कराऊंगा, बाकी के 3 अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, बोलो चलो, सम इज हाउ मच एंड प्रोडक्ट इज, अब याद है आज एक क्वेश्चन सिखाया था मैं, a प्लस बी इक्वल टू -1, याद आया क्या, अरे आज सिखाया था a प्लस बी इक्वल टू -1, आज के क्लास में सिखाया था ना, हाँ तो अच्छा उसके पहले सो ये y एक्सिस है और यहाँ पे लाइन आएगा ना, ये कौन सा डायरेक्शन है, कितना एंगल बनाया 30 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना बना 120, tan of 120 निकाल लो, इजी ना, उसके ऊपर वाला बता दो, हाँ उसके अगला वाला बता बताओ, ये मालूम है क्या सबको, कैपिटल x इज इक्वल टू, अरे याद है क्या, कैपिटल x और कैपिटल y कौन होता है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या होता है, एच और जे क्या होता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू ओरिजिन, समझा क्या, मतलब जहां पे तुम्हें शिफ्ट किया है उसको, कौन सा क्वेश्चन आइए ना, कौन सा कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, तुम क्या खेल रही हो रे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 4, 5 पी कम, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, दिस विल बी कम, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ओल्ड, और ये न्यू,
समझा? तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दिया है, और क्या ढूंढने के लिए बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन रिस्पेक्ट टू एच और के ढूंढने के लिए बोल रहे हैं ना? नहीं समझा क्या? वापस बताओ, उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बताओ ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट किया, तो एच और के दिया है क्या? Then the point 4.5 shifted to the 4.5 कौन सा quadrant? Old quadrant. अब उनको new पूछ रहा है. समझ में आया? ठीक है. कौन सा बचा है? Third, second और first. हाँ. 1, 2, 3 बचा है. ठीक है. 1, 2 and 3. हाँ. अरे आधे घंटे में हो जाएगा ये questions. ठीक है. I'll give break of 10-15 minutes. Break दे रहा हूँ मैं. मुझे भूख लगा है. अच्छा गया ठीक है. आई गिव ब्रेक ऑफ 10-15 मिनट्स. ठीक है चलो. तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत आसान है ये. पहला होगा तो दूसरा होगा, पढ़ के देखो दोनों क्वेश्चन सेम है क्या. यू रीड द क्वेश्चंस 1 एंड 2. पढ़ो कुछ नहीं. सम ऑफ द स्क्वायर्स. ठीक है तो स्क्वायर्स है उनका सम करना है. ठीक है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस फॉर्म लाइक ऑब्वियसली ऑफ अ मूविंग पॉइंट. अब मूविंग पॉइंट मतलब क्या? वेरिएबल पॉइंट ना. इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा? फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स. तो दो फिक्स पॉइंट क्या दिया है? 1.0 है माइनस 1.0. पता नहीं क्या माइनस उधर रह जाता है और पॉइंट आगे चला जाता है. ठीक है देन द इक्वेशन ऑफ द लोकस इज व्हाट. ठीक है मतलब देखो सोचो एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई और वो बोल रहा है इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट 1.0 है, दूसरा फिक्स पॉइंट माइनस 1.0 है. इस पॉइंट का डिस्टेंस उसका स्क्वायर, सेम पॉइंट का डिस्टेंस बी से उसका भी स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट. ठीक है ये वाले क्वेश्चन में देखो लोकस ऑफ अ पॉइंट. तो वेरिएबल पॉइंट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस. ठीक है लेकिन स्क्वायर नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है? सम ऑफ द डिस्टेंस बोला है. तो इंस्टेड ऑफ स्क्वायर स्क्वायर आई विल जस्ट हैव पी एंड पी बी ना. स्क्वायर नहीं रहे सिर्फ पी एंड पी बी रहेगा. इज हाउ मच कॉन्स्टेंट ना 6. समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इतना ही फर्क है. ठीक है अगला वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है लेकिन उसमें थोड़ा और इजी हो जाएगा. सो पीपल आई वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस. लेट अस पी एक्स कॉमा वाई इज अ पॉइंट. ठीक है P x comma y is a point on the locus. ठीक है इसका डिस्टेंस पॉइंट A से, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है? 1.0. इसका डिस्टेंस पॉइंट B से, इसका कोऑर्डिनेट्स -1.0. इनका डिस्टेंस इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट. सो इज इट लाइक x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर? बैठ रहे आराम से, घर पे जा रहे घर पे चला जा. ठीक है तो बैठ थोड़ा आराम से बैठ. प्लस यहां पे क्या? एक्स प्लस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज इक्वल टू व्हाट? कॉन्स्टेंट के बोल दो चलेगा. ठीक है इनिशियल कॉन्स्टेंट एस के एक्सपांड करो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर बराबर? ठीक है ना प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ax क्या हो गया? इसलिए नहीं लिखा मैंने. ठीक है प्लस वाई स्क्वायर यहां पे ए स्क्वायर है क्या? एक्सपेंशन लिखू क्या मैं? ये लो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ठीक है व्हाट हैपेंस टू माइनस 2ax एंड प्लस 2ax? ये लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होने वाला है? ये लो 2x स्क्वायर. वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
2y square. A square plus a square. 2a square. 2a square is equal to kya? K. Can I take out a 2 common? Yes. Divide top by 2. Yes. So I get x square plus y square plus a square is equal to kya? K. Can I call k upon as a new constant c? Yes, sir. And send the a square on the other side. X square plus y square is equal to what? C minus a square. Samjha question 1? Yes. I answer. Yes. Understood? Yes. Question 2 में देखो क्या होगा. चलो बता दूं क्या यहीं पे मेरा ही होगा. श्रेयस फोटो निकाल जल्दी जल्दी. जिनको लिखना है लिखो जल्दी जल्दी. शुरू स्टार्ट. क्या हुआ नहीं समझ में आया क्या आंसर? और द आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c माइनस a स्क्वायर. ऑप्शन बी का आंसर. ठीक है हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 2. व्हाट डू यू हैव? क्वेश्चन 2 लोकस ऑफ अ पॉइंट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. पहला पॉइंट का नाम a रख दो. कोऑर्डिनेट्स क्या उसका? 0.2. दूसरे पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? b. उसका कोऑर्डिनेट्स क्या? 0. समझा ये ऊपर वैसे क्यों लिया मैंने? x कोऑर्डिनेट 0. सो देयर आर एक्चुअली पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस. सम पॉइंट p इसका कोऑर्डिनेट्स क्या? अच्छा p दिया नहीं है लेकिन ढूंढना क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट ना. तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या लिया जाएगा? सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंस मतलब pa प्लस pb हाउ मच इट इज? pa प्लस pb मस्ट बी इक्वल टू 6. समझा क्या? pa निकालो. चलो हाउ डू गेट pa? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो ना क्या आएगा. pa इज इक्वल टू कमान रूट ऑफ x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y द होल स्क्वायर. चलो pb निकालो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 द होल स्क्वायर. हैव यू अंडरस्टूड? ये लेके इसमें डाल दो pa प्लस pb इक्वल टू 6. pa का वैल्यू कितना? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस pb का वैल्यू कितना? x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? समझा? 6 वहां लेंगे या रूट वहां लेके जाएंगे? आज ही सिखाया मैंने याद है ना. आगे हो जाएगा पक्का. क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है. यू नो व्हाट हैज़ बीन डन राइट? ये वाले टर्म को उधर भेज देना ठीक है. एंड देन डू स्क्वायरिंग एंड सिंपलीफाई. कैन यू डू इट? क्वेश्चन 3 भी बता रहा हूँ जल्दी से देख लो एंड देन वी कैन टेक वन सिंगल फोटो फ्रॉम बोथ द क्वेश्चंस. ये पूरा पेज खत्म ना. देखो क्वेश्चन 3 इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑलवेज व्हाट फ्रॉम विच पॉइंट्स? ये लो ये पॉइंट ए ले लिया मैंने. इसका कोऑर्डिनेट्स क्या? दूसरा पॉइंट क्या लेंगे? 0. तो तुमको पॉइंट पी का लोकस निकालना है सच दैट दिस पॉइंट पी इज ऑलवेज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? वेरी गुड. पी ए इज इक्वल टू इफ पी ए एंड पीबी आर इक्वल कैन यू से पी ए स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू पीबी स्क्वायर? चलो पी ए स्क्वायर बताओ. अरे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इतना देर लगता है क्या तुमको? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू व्हाट? ये 0 है. 0 प्लस वाई प्लस टू द समझा. सिंप्लीफाई कर दो. व्हाट डू आई गेट? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4. व्हाट विल कैंसिल? x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल. ठीक है और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं. 2x को उधर भेज दो, 1 को उधर भेज दो. क्या मिलेगा? 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0. डू वी हैव दैट? ऑप्शन ए इज आंसर. समझ में आया? इजी क्वेश्चन. श्रेयस फोटो निकालो जल्दी से एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. 17, 18, 19, 20. 17 का 17. Come to 17 question. अच्छा अभी क्या 17 तो हो गया ना. ये तो है
सेम ना इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, तो ये पॉइंट बदल दिया 2,3 एंड 4,-5 वंडरफुल 17 इज डन. हाँ 18 भी डन क्या? हाँ 1, 2, 3 भी. हाँ ठीक है ये रो जा रहा हूँ. हाँ चलो फिनिश. श्रेयस हो गया फोटो निकाल के भेज भी दिया. वेरी गुड. So, read the question. 18, 19, 20. ठीक है हुआ नहीं लेकिन मैं रफ कर दिया ठीक है क्योंकि हो जाएगा. थैंक यू. 18 क्वेश्चन पीपल हो गया खत्म हो गया लाए. आखिरी का दो चार दो दो तीन क्वेश्चन बचा है. एंड यू आर डन फॉर द डे एंड फॉर द ईयर ऑल्सो. हाँ लेकिन कल कल मैं नहीं आ रहा हूँ तुम चिंता मत करो ठीक है. 18 क्वेश्चन लोकस ऑफ अ पॉइंट. तो लेट द पॉइंट इज व्हाट? एक्स कॉमा वाई. ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई लेंगे ठीक है. डिस्टेंस ऑफ व्हिच फ्रॉम द ओरिजिन. तो ओरिजिन लगेगा मुझको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन 0, This is the point P. इसका coordinates क्या लेंगे? तो distance from the origin is this OP. बराबर. Is this distance root of x square plus y square? Yes. By distance formula ना? Yes. ये distance OP क्या लेगा? Root of x square plus. समझ में आया? वो क्या बोल रहा है? ये distance कितना है? Five times. Five times its distance from where? 3, x positive y negative. इधर कितना है क्या वो point? 1, 2, 3, -2. ये है क्या पॉइंट वो? बी ले लो. कोऑर्डिनेट्स क्या इसका? 3, -2. ठीक है. सो इफ आई जॉइन दिस, सो व्हाट डू यू से? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन व्हिच इज व्हाट? फाइव टाइम्स ऑफ पीबी. सब कुछ समझा? तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते लेकिन रूट के साथ आएगा ना. व्हाट इज बेटर? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पीबी स्क्वायर. समझा क्या? ओपी स्क्वायर मतलब क्या? रूट हट जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ पीबी स्क्वायर. पीबी स्क्वायर क्या? 3 माइनस थोड़ी एक्स माइनस थ्री द प्लस वाई. सिंप्लीफाई फॉर योर सेल्फ. कर लोगे इसके आगे? सबको आएगा ना. दिस वाज क्वेश्चन नंबर व्हाट? 18. व्हाट इज नेक्स्ट बताओ? नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? अरे इधर है. ओरिजिन से है क्या? नहीं तो 1920 सेम है. मैं एक करा देता हूँ. चलो शुड आई रेज़ दिस? हाँ ले ना जल्दी ले. So just read 19 and 20 question. Are they both same? Read them carefully. यहाँ पे क्या बोला है? Distance from y axis. यहाँ पे क्या बोला है? Distance from इधर क्या? Locus of the point equidistant from this point and the x axis. ठीक है? यहाँ पे बोला है कि distance from y axis is 2 times the distance from the origin. ठीक है? और वहाँ पे क्या बोला है? ठीक है. सो क्वेश्चन दोनों सेम ही है. क्वेश्चन दोनों बता दूंगा ना. 19 and 20. हाँ ग्रीन लाइट क्या हो रहा है? मतलब वो ग्रीन कलर. हाँ लिख दो भाई जल्दी से. 2 मिनट लगेगा क्वेश्चन लिखने के लिए. लिख दिया है ना? हाँ. सो यू कैन कॉन्टेक्ट सोनिया ठीक है for the solution of question number 18. हाँ यार तुम फोटो निकाल के ग्रुप में डाल दो. किसी को कांटेक्ट करने का जरूरत ही नहीं है. परेशान करेंगे लोगों को है ना. 50 लोग अगर मैसेज भेज देंगे सोनिया प्लीज सेंड अ सॉल्यूशन तो कितना बड़ा लिस्ट हो जाएगा ना. एक मैसेज ग्रुप पे डाला मैं ग्रुप पे भेज दूंगी.
तो तुम ही ग्रुप पे डालो ना, किसी को भेजने का जरूरत नहीं है मैसेज। चलो 99-20 क्वेश्चन ना बिल्कुल, वेरी क्विकली। सो व्हाट डू वी हैव? इक्वेशन ऑफ द लोकस, आर रेड एंड ब्लैक। इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, और लोकस बोला है तो पहला तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एंड दिस सम पॉइंट पी जिसका लोकस में ढूंढ रहा हूं, बराबर ना, जिसका लोकस ढूंढना है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या लिया जाएगा? आप सोच के जवाब दो, ये पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या है? वेरी गुड, एक्स। आर यू गेटिंग इट? ये पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछा है ना, ये है क्या? तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? कह रहा कोऑर्डिनेट्स पी एम, दिस इज एक्स। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज पी एम, दैट इज इक्वल टू एक्स। और क्या बोल रहा है? The distance is two times the distance from what? Origin का coordinates क्या होता है? Is this the distance of the point from the origin? Is it root of x square plus y square? So question says, is PM the distance of the point from the y axis is to equal to two times the distance from where? Origin. Two times of OP. समझा? Is it okay to do squaring? Yes. Even more easier, right? PM square is 4 times of OP square. Is PM x? X square equal to 4 times of OP was root of x square plus y square. OP square would become x square plus y square. So will my answer be 3x square plus 4y square equal to 0? Samjha kya? Sabko samjha? And then 20th question, finally. So, 20th question, कहां से डिस्टेंस बोला है? 1.2 and x axis ना, तो ये लो ये x axis बनाया, ये y, ये point P, इसका coordinates क्या लेंगे? अरे जिसका लोकस ढूंढना उसका coordinates क्या लिया जाएगा? अरे खत्म हो गया ना, लास्ट का क्वेश्चन है, ध्यान दे दो थोड़ा, ठीक है? अभी से मतलब ठीक है, हो गया, खत्म हो गया, छुट्टी का एनवायरनमेंट बना लिया माइंड में, एक लेक्चर और बैठने का। पीएम का वैल्यू कितना है? वेरी गुड, पीएम का वैल्यू वाई, एंड व्हाट इज ही सेइंग? इसका डिस्टेंस कौन से पॉइंट से, कौन से पॉइंट से? कैन आई कॉल दिस पॉइंट ए, 1.2, सो इफ यू जॉइन दिस पीए, दिस डिस्टेंस एंड पीएम, दे आर बोथ इक्वल, सो पी A is equal to PM. So can I say PA square is equal to PM square? PA का वैल्यू करो, चलो क्या आएगा? X minus 1 the whole square plus Y minus no square root sign, right people? And what is PM? Y. So Y square. Can you expand? Yes, we do. X square minus 2X plus 1. ये आखिर का लेंगे ना, करी इतना करी देता हूँ मैं. Minus 4Y plus 4 equal to what? y square. So I got x square minus 2x minus 4y plus 5 equal to. और इसे देखता नहीं सीखता था तो इसे बोलना चाहिए था इतना इसे अगर बोल दिया तो कितना entertainment होता हमें. Have you understood? Yes, sir. Level 2 questions, whatever are left, go home, do them. Homework section, classwork section. ठीक है, जो कुछ बचेगा हम देख लेंगे, ठीक है, चलो।